देखो चूंकि हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस कर रहे हैं, जैसे पार्ट कर रहे हैं हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस वाला। सो देखो ये जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं लिमिट का मतलब क्या है, सो लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ वन रियल वेरिएबल क्या होता है, तो सिंपली है कि x टेंड्स टू कोई नंबर a है और fx फंक्शन दे रखा है तो उसकी लिमिट निकालनी है। अब वो लिमिट डिफरेंट फॉर्म की हो सकती है ना, जैसे 0/0 इनफिनिटी बाय इनफिनिटी, तो एल हॉस्पिटल लगा लो, 1 की पावर इनफिनिटी है तो फॉर्मूला था fx की पावर gx वाला, तो उसका इक्वल टू e की पावर fx माइनस 1 इनटू gx, वो लिमिट का हो गया। कोई और फॉर्म है इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी, तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके 0/0 में ले आओ, इनफिनिटी बाय इनफिनिटी में ले आओ, तो उससे काम हो जाएगा। या कोई और फॉर्म है 0 की पावर 0 है तो लॉग लगा लो उस तरीके से, तो कहीं ना कहीं वो 0 इनटू इनफिनिटी के फॉर्म में आ जाएगी, फिर उसको 0/0 या इनफिनिटी बाय इनफिनिटी बना लो, तो रिड्यूस करके समहाउ 0/0 फॉर्म में या इनफिनिटी बाय इनफिनिटी फॉर्म में या 1 की पावर इनफिनिटी फॉर्म में ले आके कर दो। तो ये किया हमने। अब जैसे मैं अभी ये सब क्यों बता रहा हूं, एक्चुअली ये सब का जो बेसिक्स है, फंडामेंटल है, वो क्लास 11 12th में ही है। तो मैं अभी वो लोग, कुछ लोगों ने प्रीरिक्विजिट किए होंगे, तो प्रीरिक्विजिट में चूंकि मैं मैथ्स पोर्शन नहीं कराया था, लाइक कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे क्लास एक बार टॉपिक्स देख लो, पहले लिमिट्स ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल हो गया, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, तो यहां तक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन का मतलब ये हो गया कि आप जानते हो कि लाइक इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस, if function is not continuous then it is not differentiable, तो ये भी पार्ट हमने कर लिया। प्रॉपर्टी का मतलब वही है, या कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जैसे इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी हो गई, ये इस तरह से रोल्स थ्योरम है, वो तो अलग से भी लिखा हुआ है नाम, तो उसमें मेनली वही है कि रोल्स थ्योरम हो गया और लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम है, तो ये सब हमें पढ़ना है इस प्रॉपर्टीज में। और जैसे ये थोड़ा रोल्स थ्योरम लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, तो ये सब आई थिंक हमने दिखा नहीं था, शायद देखता हूं ये दिखाया था क्या लास्ट क्लास में, दिखाए नहीं थे ना, दिखाए थे कि नहीं, याद है किसी को? हाँ लाइट चला गया था ना, हाँ ये करना है अभी। तो ये सब जो देखो, ये जो चीज जैसे मान लो यहाँ पे है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ वन रियल वेरिएबल, क्रिटिकल पॉइंट, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा, ठीक है, फिर पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। तो ये जो टॉपिक्स हैं यहां से लेके ये वाले, यहां से स्टार्ट करके और यहां तक, सो ये जो टॉपिक्स है ये क्लास 12th में भी इसका बेसिक्स है। और कई बार तुम देखोगे कि जो क्वेश्चंस आते हैं क्लास 12th लेवल के भी होते हैं आप करोगे तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि चूंकि सबने 11 12th तो करा ही, अच्छे से करा होगा, लेकिन टाइम के बाद एक चीज हम भूल जाते हैं कॉन्सेप्ट। तो जैसे ये है लिमिट्स वाला हो गया ये, तो जैसे क्लास 12th के अगर आप कुछ चैप्टर देखो 11 12th के, अगर मैं सिर्फ कोई भी बुक, हालांकि एनसीईआरटी आप रेफर कर सकते हो बेसिक्स, और इसका पीडीएफ भी मिल जाता है, तो एक बार बस रिवाइज कर लेना, क्योंकि वो जरूरी है, क्योंकि आपका बेसिक क्लियर नहीं है, अगर आपका ग्राउंड फ्लोर स्ट्रांग नहीं है तो ऊपर 10 फ्लोर बनाओगे तो है ना बिल्डिंग गिर जाएगी, तो आपको फंडामेंटल बेस स्ट्रांग करना पड़ेगा। तो बेस आता तो है ही आप लोग ऑलरेडी, बट एक बार रिवाइज कर लो। जैसे मान लो कि एनसीईआरटी में क्लास 11th जो है उसमें, मतलब उसकी बुक देखो तो उसमें चैप्टर नंबर 13 है, चैप्टर का नाम है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, है ना, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, तो उसमें कुछ नहीं, उसमें क्या किया गया है कि लिमिट फाइंड करना सिखाया गया है, तो वो तो आपको आता है, वैसे रिवाइज कर लेना। फिर डेरिवेटिव्स में क्या है, डेरिवेटिव का डेफिनेशन क्या है, फिर डेरिवेटिव फाइंड करना सिखाया गया, वो जो फॉर्मूलेज है वहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस के, सम रूल, प्रोडक्ट रूल, डिफरेंस रूल, है ना, कोसेंट रूल, स्केलर मल्टीप्लिकेशन रूल, चेन रूल, ये सब चेन रूल 12th में है। फिर तो क्लास 11th का ये चैप्टर 13 हो गया। और जो क्लास 12th में है, जैसे क्लास 12th एनसीईआरटी जो है उसमें चैप्टर है, जैसे चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, तो ये जो टॉपिक, ये भी यहाँ भी यही है, बेसिक्स यही है, यही सब है, इसके बाद थोड़े और एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट आपको सीखना है यहाँ पे। तो इन सब में डाउट नहीं होने चाहिए इन टॉपिक्स में, जो एटलीस्ट क्लास 11th के एनसीईआरटी में है, है ना, क्लास 12th के एनसीईआरटी में जो है, इसमें चैप्टर नंबर 6 है,
मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो उसमें चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा मिनिमा सब है इसी में, तो वो भी आप एक बार चेक कर सकते हो। और तो ये तो गया ना, ये तो है कैलकुलस में, ये तीन चैप्टर है जो रिलेटेड है, लिमिट्स, डेरिवेटिव, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसी के आगे चले जाओ तो डिफरेंशियल कैलकुलस से ये रिलेटेड हो गया लिमिट्स के साथ। अब जैसे चैप्टर नंबर 7 है, तो चैप्टर का नाम है इंटीग्रल्स। अब ये इंटीग्रल्स आपको हर जगह आता है, आपको याद है पीडीएफ है तो इंटीग्रेट करना पड़ता है, सो हर जगह है ना। सो इंटीग्रेशन कई बार बच्चों को दिक्कत होती है, तो उसके लिए ये चैप्टर एक बार रिवाइज कर लो। नहीं रिवाइज अगर नहीं करना, साथ में हम डिस्कस भी कर सकते हैं, एक, 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 एक क्लास में एक चैप्टर ले लो तुम, मैं एक बार ओनली डिस्कस कर सकता हूँ या बता सकता हूँ क्या क्या है, या घर से आप एक बार ट्राई करके आओ। यू जस्ट गो थ्रू वंस, डेफिनेशन पढ़ लो, एग्जांपल्स कर लो, एक्सरसाइजेस कर लो, जो जो डाउट्स रह गए, चाहे डेफिनेशन समझ नहीं आया आपको या एग्जांपल समझ नहीं आया, एक्सरसाइज समझ नहीं आया, आप पूछो मुझसे, तो ऐसे कर सकते हैं। चैप्टर 8 इसका है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। और ये जो टॉपिक्स बता रहा हूँ ये आपके जैम में भी है, ये क्लास 11 12th में तो है ही, लेकिन जैम में भी यहीं से स्टार्ट होता है चीजें एक्चुअली। सो ये सब भी उस पार्ट ऑफ जैम है, और जो क्वेश्चंस आते हैं इससे डायरेक्टली इस कॉन्सेप्ट भी होते हैं। सो है ना, जैसे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स ये चीज है, तो ये इंटीग्रल कैलकुलस का पार्ट हो गया, ये डिफरेंशियल कैलकुलस हो गया, और ये लिमिट्स, फंक्शन लिमिट्स एंड डेरिवेटिव हो गया, तो वही डिफरेंशियल कैलकुलस का एक पार्ट मान लो। तो ये जो 5 चैप्टर है ये आपको एक बार रिवाइज करना पड़ेगा एनसीईआरटी से, जो डिफरेंशियल कैलकुलस है उसका ये बेसिक्स है ना, बेस है। तो यहां अगर दिक्कत होगी फिर आगे आपको प्रॉब्लम होगी, समझ आ रहा है। सो ये चैप्टर्स आपको एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। अब बताओ कैसे करोगे तुम, कितने दिन का टाइम चाहिए एक बार कंप्लीट करने के लिए? और ये नहीं कर पलट लिए बस, तुम एक बार डेफिनेशन पढ़ लो, एग्जांपल देख सकते हो, सॉल्यूशन समझ आ रहा है गुड, एक्सरसाइज एक बार सॉल्व करके देख लो, एटलीस्ट जो मिसलेनियस एक्सरसाइजेस इनके हैं। इसके हर एनसीईआरटी में क्या है कि शुरू में तो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन इजी इजी, जो लास्ट एक्सरसाइज है वो मिसलेनियस एग्जांपल एक्सरसाइज, आप वो सॉल्व करके देखो, तो उसमें अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन, थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, तो एक बार पूरा सॉल्व कर लो थोरोली, तो उसमें क्या होगा कि आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका बेसिक्स क्लियर है, अगर क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो आप, क्योंकि एंट्रेंस में क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल ही आपको इंपॉर्टेंट है। थ्योरेटिकली आप कितना जानते हो कोई मैटर नहीं करता, प्रॉब्लम कितने अच्छी तरह कितने कम टाइम में सॉल्व कर लेते हो वो इंपॉर्टेंट है। जी याद क्यों नहीं, रट्टा नहीं मारना, समझना है, रट्टा नहीं मारना है, समझना है उसका मीनिंग, क्या मीनिंग है। नहीं लेकिन कुछ क्वेश्चन जो उसी थ्योरम या डेफिनेशन बेस पूछ लेगा, तो आपको जब थ्योरम और डेफिनेशन ही क्लियर नहीं तो वो क्वेश्चन फिर आप नहीं कर पाओगे एक्चुअली, ये चीज है। कुछ आसान क्वेश्चन आप कर लेते होंगे, लेकिन जो उस डेफिनेशन या थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है वहाँ दिक्कत होगी, क्योंकि कई बार उसी पे घुमा के पूछ लेते हैं थोड़ा, है ना, तो वो आपको क्लियर होने चाहिए। तो वो याद रट्टा नहीं मारना, आपको समझना है मेनली, कि जैसे अगर आपसे पूछ लो कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन क्या है, तो आप खुद से भी पूछ के देखो कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन क्या है, तो आप सबको पता है कि फंक्शन की लिमिट और फंक्शन की वैल्यू दोनों इक्वल होनी चाहिए, सिंपल डेफिनेशन है। डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन क्या है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ये तो बाद में आता है, पहले आता है कि लिमिट, मान लो मुझे डेरिवेटिव चेक करना है पॉइंट ए पे, तो एफ ए माइनस एफ एक्स माइनस एफ ए न्यूमरेटर में अपॉन एक्स माइनस ए, इसकी लिमिट व्हेन एक्स टेंड्स टू ए अगर एग्जिस्ट करती है तो फंक्शन डिफरेंशियबल है, और अगर डिफरेंशियबल है वो मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो उस केस में जो आंसर आएगा वही फंक्शन का डेरिवेटिव है पॉइंट ए पे। तो इस तरह से डेफिनेशन क्लियर हो हर पॉइंट का आपको, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिट। सो लिमिट्स का मीनिंग बताया था कि जब एक्स बहुत क्लोज है ए के, तो फंक्शन जिस भी वैल्यू के क्लोज जाएगी वो उस फंक्शन की लिमिट है एक्चुअली। तो इस तरह हर टर्म का डेफिनेशन पहले क्लियर हो आपको, डेफिनेशन क्लियर है फिर उसके आगे थ्योरम्स होते हैं। थ्योरम्स क्यों होते हैं? हमारे लाइफ को आसान बनाने के लिए, क्योंकि कोई क्वेश्चन होगा अगर आप डेफिनेशन बेस बहुत टाइम लग जाता है, तो थ्योरम्स दिया गया है कि उस क्वेश्चन को इजीली आप थ्योरम, एक थ्योरम क्या एक स्टेटमेंट है जिसका प्रूफ अवेलेबल है, तो उसको डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो, है ना, इस तरीके से। जैसे आप कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशियबल भी नहीं होगा, ये थ्योरम है कि इफ अ फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस देन इट कैन नॉट बी डिफरेंशियबल, तो कॉन्टिन्यूटी चेक किया फेल हो गया तो हम बोल देंगे डिफरेंशियबल नहीं है, चेक करने की जरूरत नहीं है, तो ये थ्योरम है जो हम यूज कर रहे हैं एक्चुअली। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा, तो अगर हमने कहीं पता चल गया अगर डिफरेंशियबल है तो हम प्रूफ थोड़ी करेंगे कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, हमें पता है, कैसे पता है, थ्योरम है वो, उसका प्रूफ अवेलेबल है।
तो इसीलिए थ्योरम से बाद में आती है, पहले डेफिनेशन क्लियर हो उसका, वर्ड का मीनिंग क्लियर हो, फिर उस पर बेस्ड जो स्टेटमेंट्स है वही थ्योरम्स है वो क्लियर हो, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके देखो आप। ये चीज है ना, प्रॉब्लम कहाँ से प्रैक्टिस करोगे, बहुत सारी बुक्स हैं, ड्राइव में कुछ क्वेश्चंस अपलोडेड हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं डिफरेंट एग्जाम के। देखो मैं कभी रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा, आप किसी भी एग्जाम का प्रॉब्लम ट्राई कर सकते हो उस टॉपिक पे बेस्ड। अगर हम जैसे कैलकुलस डिस्कस कर रहे हैं तो कैलकुलस का आप कहीं से भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, जेई एडवांस, जेई मेंस, आईटी जेईई होता है उससे भी, क्योंकि यही सब सिलेबस वहाँ भी है, थोड़े से यहाँ ऊपर है। आप आपके जो जैम के हैं, गेट के हैं, या आईएसआई के हैं, इस तरह का जो भी जहाँ भी इस टॉपिक के क्वेश्चन आते हैं, आप किसी भी नेट जेआरएफ के क्वेश्चन कर सकते हैं, आप पूछ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। जब आप क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको भी सीखने को मिलेगा, मुझे भी सीखने को मिलेगा, या तो मुझे आता होगा या फिर मैं सीखूंगा, ये चीजें हैं। सो एनीवे ये जरूरी है। जी राजा कुछ बोल रहे हैं आप? सर मैं जैम का क्वेश्चन पहले सर पता, जो मैथमेटिक्स क्वेश्चन है जो मैंने प्रूव किया है पहले, मैं कैटेगरीज क्वेश्चन में जैम एबे का क्वेश्चन पहले सॉल्व करूं, मेरे पास है क्योंकि उधर टफ बेस होता है जस्ट कंपेयर टू एमएस। यस तो मैं वो कर रहा हूं फिर एमएस पे जाऊं। तो एक काम क्यों नहीं करते तुम, जो जैम एमए का तुम वो जो कर रहे हो, तो एक जैसे टॉपिक वाइज ना तुम थोड़ा सा एफर्ट करो, स्क्रीनशॉट लेके फोन से या लैपटॉप से, ठीक है, एक कंबाइन करके पीडीएफ बना के भेज दो, अगर फोन से स्क्रीनशॉट ले लेके बाद में ऑनलाइन जाके कंपाइलर होता है, ऑनलाइन लिखोगे मर्ज पीडीएफ या मर्ज फोटोज, तो सबको एक साथ मर्ज कर सकते हो ऑनलाइन, या स्क्रीनशॉट ले लो लैपटॉप से और उसको तुम वर्ड में जाके वर्ड ओपन करो, वर्ड में वो करने का ऑप्शन, फोटो ऐड करने का ऑप्शन होता है, तो ऐड फोटोज पे जाओ, सारी फोटोज ऐड करो, प्रिंट कर लो, तो एक साथ हो जाएगा, जैसे मैं करता हूँ। तो एक तुम ये कर सकते हो, तो अच्छा आइडिया दिया तुमने कि जो मैथमेटिक्स पोर्शन है उसके क्वेश्चन आईआईटी एग्जाम मैथमेटिक्स जो है, हालांकि इस बार मैं अभी सितंबर अक्टूबर में आईआईटी एग्जाम मैथमेटिक्स का क्रैश कोर्स लॉन्च करूंगा। क्रैश कोर्स ये कि बस प्रीवियस पेपर से आप सॉल्व करा देंगे उन बच्चों को जो जैम मैथमेटिक्स के, तो उसके थ्रू मेरे भी बड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, बच्चों भी हो जाएगी, तो वो है। बाकी अच्छा आइडिया है कि जो आईआईटी एग्जाम मैथमेटिक्स के पेपर, आईआईटी एग्जाम मैथमेटिक्स 2005 में स्टार्ट हुआ था, 2023 तक हो चुका है, तो इस साल में बहुत सारे क्वेश्चन हैं सिक्वेंस सीरीज के, बहुत सारे क्वेश्चन हैं कैलकुलस के, है ना, जो जैम के सिलेबस है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं लीनियर अलजेब्रा के जो आपके सिलेबस में है, तो ये तीन चीजें आपके सिलेबस में है, कैलकुलस, सीक्वेंस सीरीज, लीनियर अलजेब्रा, ये ना, तो इसके क्वेश्चंस वहां भी मिल जाएंगे, तो एक जगह कंपाइल कर लो उसको, थोड़े से अफोर्ड करने हैं आपको, या हमारे पास लोग भी हैं वो भी कर देंगे बोलेंगे तो, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। लीनियर अलजेब्रा हो गया ये, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, सीक्वेंस सीरीज, ये चार टॉपिक है, ये चारों टॉपिक जैम मैथमेटिक्स में भी आते हैं, तो जैम मैथमेटिक्स में इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो वही मैं कह रहा हूँ कि तुम एक काम करो, उसके क्वेश्चंस कंपाइल करके मुझे एक बार भेज देना, नहीं तो मैं अभी तुमने आइडिया दिया तो मैं उसको बोल के करवा दूंगा। मैं कुछ लोग हमारे साथ, चार पांच लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जो असाइनमेंट बनाते हैं, टेस्ट बनाते हैं, जो ये सब कर रहे हैं, तो उनको बोल देंगे हम, तो ठीक है। सो ये भी कर सकते हैं, मैं अपलोड कर दूंगा ड्राइव में, आप लोग देख सकते हैं, ट्राई करो, डाउट पूछो, अभी एंड में एक डाउट सेशन, अभी फिर से वाले टॉपिक खत्म हो जाते हैं, मैं तो कराता ही हूँ ना कि आप ट्राई करके और डाउट पूछो, या क्लास में डिस्कस कर लेंगे वन बाई वन, ये चीज़ है, एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, तो असाइनमेंट बन रहा है, रिवीजन में वही कराऊंगा मैं, रिवीजन में क्या होगा जब कोर्स खत्म हो जाएगा तो एक बार पीवाईक्यूज जितने भी है टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे, और नॉन पीवाईक्यूज एक एक असाइनमेंट होगा हर टॉपिक वाइज, उसके बाद फिर ईयर वाइज डिस्कस करेंगे, मतलब पूरे साल में तीन चार बार तो पीवाईक्यू मैं ही करा दूंगा, और फिर आपको काम है चार पांच बार खुद से भी आप करो, तो पूरे एग्जाम से पहले कम से कम प्रीवियस ईयर पेपर 10 बार आप सॉल्व कर लो, हर क्वेश्चन कम से कम 10 बार आपने सॉल्व किया हो, क्यों रट्टा नहीं मारना है आंसर, इसीलिए कि वो कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाए, थोड़े आगे पीछे भी पूछे तो आप दिखे आपको, इसीलिए वो चीजें हैं। तो एंड मतलब सिलेबस के एंड तक एग्जाम से पहले हर क्वेश्चन पीवाईक्यूज के 10 बार कम से कम आपने अटेम्प्ट किए हो, कि ऐसा वो क्वेश्चन देखे और आपके दिमाग में सोचना ना पड़े, आपको आइडिया अच्छा ये ऐसे सॉल्व होगा, इसका ये कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से तीन चार बार पांच बार तो मैं ही करा दूंगा पूरे साल में। सो ऐसा है, ओके चलिए तो आगे बढ़ते हैं। मेरा बताने का मतलब यहाँ पे क्या है कि ये जो कुछ टॉपिक्स हैं ये इसका बैकग्राउंड क्लास 12th लेवल का है, तो ये चीजें आप कंप्लीट खुद करो या मुझे बताओ फिर मैं कराऊं, तो जैसे कहोगे वैसे कर सकते हैं। तो मतलब मैं भी कराऊं एक क्लास में ये खत्म करा दूंगा, एक क्लास में ये चैप्टर, एक क्लास में ये, एक क्लास में, एक क्लास में ये खत्म, बाकी आपको ज्यादा मेहनत करना है क्योंकि आपको एग्जाम देना है, मुझसे मेहनत करवाओगे तो मेरा तो एग्जाम निकला हुआ है पहले से ही, तो मैं तो करूंगा ही साथ में, लेकिन अच्छे रिजल्ट के लिए आपको ज्यादा मेहनत करना है, तो आपका काम है कि ये चैप्टर्स के क्वेश्चंस एक बार करके देख लो, कॉन्सेप्ट्स एक बार रिवाइज करके देख लो, डेफिनेशंस एक बार रिवाइज करके देख लो,
ओके हो जाएगा। मतलब मुझे पता है आप सबको आता ही है, ऐसा कुछ इसमें है नहीं कि जो आपको नहीं आता हो, क्योंकि आप लोग यहाँ पे अगर स्टैट्स ऑनर्स मैथ्स ऑनर्स यहाँ तक आप पहुँचे हैं तो कहीं ना कहीं आपका बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है, मतलब लोअर इलेवन ट्वेल्थ में आप बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हैं इसलिए यहाँ तक आप पहुँचे हैं, सिंपल। सो पर फिर भी एक बार रिवाइज कर लो ये चीज़ें। जी तो ये लिख लो आप, क्लास इलेवेंथ के एनसीईआरटी में चैप्टर 13 है, ठीक है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, और है ना यही सब है एक्चुअली। यस, बाकी क्लास इलेवेंथ में क्या है और कौन से चैप्टर हेल्पफुल होगा, पहला चैप्टर सेट्स है, वो भी रिवाइज कर सकते हो तुम, है ना। अगर तुम देखोगे चैप्टर वन है, ये मैंने पढ़ाए हैं चैप्टर वन, तो मैंने प्री रिक्वेस्टेड लेक्चर यूट्यूब पे पब्लिक है, आप चेक कर सकते हो, मैंने कराए हैं क्लास में प्री रिक्वेस्टेड वाले में। तो सेट्स हैं जैसे, तो ये भी थोड़ा हेल्प करेगा, लाइक ए बट नॉट बी, बी बट नॉट ए, नाइदर ए नॉर बी, ये सब का मीनिंग क्या है सेट के फॉर्म में, ये सब क्लियर होने चाहिए क्योंकि वही इवेंट भी होते हैं, यही सेट है जो इवेंट है, तो इस तरीके से होता है। जैसे ये थोड़ा हेल्पफुल होगा, चैप्टर सेवन है आपके पास, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो ये भी हेल्पफुल होगा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो ये हेल्पफुल है। चैप्टर एट है बाइनोमियल थ्योरम, ये हेल्पफुल होगा आपके लिए, ठीक है ना, बाइनोमियल थ्योरम हो गया। फिर आगे चैप्टर इसी में 14 है, 14 छोड़ो 15 है स्टैटिस्टिक्स आई थिंक, और 16 है प्रोबेबिलिटी। सो 15 स्टैटिस्टिक्स में कुछ ऐसे खास नहीं है, सीधा 16 कर दो तुम क्योंकि उसका जरूरत भी नहीं पड़ेगा। सो 16 है प्रोबेबिलिटी। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जो आपको एक बार रिवाइज करने चाहिए क्लास 11 से, मतलब टोटल सिलेबस के अकॉर्डिंग, है ना। 13 ये हो गया लिमिट्स डेरिवेटिव, चैप्टर 1 सेट, 7 परमुटेशन कॉम्बिनेशन, 8 बाइनोमियल थ्योरम, 16 चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। तो ये आपको करनी चाहिए क्लास 12th में, ये हो गया 5, 6, 7, 8। और देखोगे तो जो लास्ट चैप्टर है इसका क्लास 12th में, जो लास्ट चैप्टर है 13th, सो वो आपका प्रोबेबिलिटी है, जो लास्ट चैप्टर है वो है चैप्टर 13 जो है वो प्रोबेबिलिटी है। तो ये भी, ये तो मस्ट है आपको करना, बस रिवाइज करने हैं आपको, ठीक है। आते हैं सबको भूल गए बाइनोमियल, जैसे यहाँ पे क्लास 12th के प्रोबेबिलिटी में रैंडम वेरिएबल भी है, वहाँ पे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल भी है, वहाँ पे कॉन्टिन्यूस नहीं है, वहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी है एक्चुअली, है ना, टोटल प्रोबेबिलिटी बेस थ्योरम सब है यहाँ पे। तो एक बार यहाँ आपको चीजें क्लियर है तो आगे समझने में आसानी होगी, ये बोल रहा हूँ, ठीक है। सो जी एक बार रॉस और एलन की डिस्कस कर देते हैं। हाँ अभी स्टार्ट कर, वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो ठीक है ना, तो ये चैप्टर्स नोट कर लो, ये आप एक बार रिवाइज करो और डाउट्स पूछो, तो एक एक करके इसको, मान लो तुम्हें एक महीने का अगर टाइम दूँ तो थोड़े थोड़े करके इसको कंप्लीट कर लो, एक महीने अलग ही करोगे तो एक सप्ताह में हो जाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर तुम कंप्लीट करना, आगे थोड़ा बढ़ते हैं अब, तो अब थोड़े आगे स्टार्ट करते हैं। तो वो थ्योरम को लिखाई देता डिफरेंशिएबिलिटी वाला, कि हाँ वो तो लिखाई रखा था ना कि इफ एफ इज डिफरेंशिएबल एट, है ना, मान लो कोई पॉइंट है x इज इक्वल टू c, देन f इज कॉन्टिन्यूअस, ये क्लास 12th में भी है, ये कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c, ये इसी का इक्विवेलेंट थ्योरम है, इक्विवेलेंट है कि इफ f इज नॉट कॉन्टिन्यूअस at x is equal to c, then f is not differentiable at x is equal to c, ठीक है। तो ये हो गया, और बाकी ऐसा ही आप आगे थोड़ा अगर बढ़ोगे सिलेबस के हिसाब से, तो चलो मैं रॉल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम लास्ट क्लास में देखा था हमने क्या होता है। ओके तो सर जस्ट स्टेटमेंट देख लो, बाकी क्वेश्चंस करेंगे इस पे। तो ये तो थ्योरम हो गया, अब जैसे कह रहा था रोल्स थ्योरम क्या होता है, सो व्हाट इज द रोल्स थ्योरम बताओ। सो इसका स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है, कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं फिर उसको अप्लाई करना भी आना चाहिए, है ना। सो कोई स्टेटमेंट बताओ, आप मुझे पता तो होगा ही क्योंकि भी क्लास 12th में है एक्चुअली, रोल्स थ्योरम भी क्लास 12th में है। हां सर, वो ये फंक्शन है कि अगर वो फंक्शन फाइंड आउट हो सके तो के भी देन ए इज कंटीन्यूअस ऑन ठीक है। तो स्टेटमेंट लिख दूं अगर मैं, तो सिंपल है कि
कोई फंक्शन एफ है, ठीक है ना. सो कोई फंक्शन है एफ, सो लेट्स से अ फंक्शन एफ जो है डिफाइंड है. देखो डिफाइंड जिस भी सेट पे उसी को डोमेन बोलते हैं. कोई फंक्शन जिस सेट पे डिफाइंड है उस सेट को हम डोमेन ऑफ द फंक्शन बोलते हैं. ये होता है ना कि x की वो वैल्यू जिस पे फंक्शन डिफाइंड हो तो वो डोमेन है. तो यहाँ डोमेन क्या है, क्लोज इंटरवल ab से r में मान लो फंक्शन डिफाइंड है, तो r जो है यहाँ पे को डोमेन है, रेंज नहीं, को डोमेन. ठीक है. सो फंक्शन f इज डिफाइंड ऑन इंटरवल ab टू r. सो ab इज द डोमेन एंड r इज द को डोमेन. सो फंक्शन पहले डिफाइंड हो क्लोज इंटरवल पे, ठीक है. सो ऑब्वियसली ये इंटरवल है तो स्मॉल a लेस देन स्मॉल b होगा, ठीक है, इंटरवल में होता है. सो f फंक्शन है, दिस इज कॉन्टिन्यूअस एट इंटरवल ए बी, या ठीक है ना, एट ऑन लिखना, एट पॉइंट होता है. सो ऑन इंटरवल ए बी कॉमा डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी. मतलब कहने का मतलब कम से कम ओपन इंटरवल ए बी पे डिफरेंशिएबल हो, क्लोज ए बी पे है तो भी कोई दिक्कत नहीं हमें, लेकिन एटलीस्ट ओपन इंटरवल ए बी पे डिफरेंशिएबल हो. प्रॉब्लम कब आती है, क्यों ओपन लिया गया, क्योंकि एंड पॉइंट पे हो सकता है कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो, राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना कर रहा हो, इसलिए ओपन इंटरवल ए बी पे है ना. हो सकता है ए पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना कर रहा हो, बी पे राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना कर रहा हो, इसलिए ओपन इंटरवल ए बी पे डिफरेंशिएबल होना जरूरी है. एंड जो तीसरी कंडीशन रिक्वायर्ड है वो ये है, फंक्शन की वैल्यू ए पे और फंक्शन की वैल्यू बी पे इक्वल हो, ठीक है ना. सो एक फंक्शन एफ है वो क्लोज इंटरवल ए बी पे डिफाइंड है, कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी पे, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी पे, ठीक है. ये कंडीशन है, तीसरी कंडीशन है कि फंक्शन की वैल्यू ए पे और बी पे इक्वल होगी. देन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है उसके बाद ये थ्योरम गारंटी करता है कि एक नंबर आपको मिलेगा इंटरवल ए बी में. सो यू विल गेट अ नंबर सी इन द इंटरवल ए बी सच दैट द डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू जीरो. तो ये है. देन देयर एग्जिस्ट अ नंबर सी इन ए बी सच दैट f dash c is equal to 0, ठीक है ना, इस तरह से होगा. तो इसका मीनिंग क्या है, जरा मीनिंग समझो अब इसको. अगर मैं इसका मीनिंग समझाऊंगा ग्राफिकली आप लोगों को क्लियर होगा ही. सो फिर भी देखो. सो जैसे मीनिंग ये है कि कोई फंक्शन है मान लो इस तरह से. सो कोई इंटरवल ए बी ले लो ना, ये ए है ये बी है, ये पॉइंट ए है ये बी है. अब इस पर डिफाइंड है तो कैसे भी तुम बना सकते हो, है ना. तो किस तरह से बना सकते हो, मान लो इस तरह से फंक्शन है सपोज यहाँ पे, है ना, ये बी पे ये वैल्यू है, ए पे ये, ऐसा बना लिया मान लो. तो ये कहना क्या चाह रहा है कि अच्छा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो जब एक्स की वैल्यू ए है तो ए कॉमा एफ ए, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है बी कॉमा एफ बी, यही ना. अच्छा तो यहाँ पे एफ ए और ए बी इक्वल होना चाहिए ना, अभी इक्वल नहीं है. एफ ए यहाँ पे ये हो जाएगा, एफ बी यहाँ पे इक्वल नहीं है, तुम्हें इक्वल करना पड़ेगा. तो उसके लिए है ना वैल्यू इक्वल होनी चाहिए ना एफ ए और एफ बी पे, इस तरीके से एफ ए और मतलब कैसे भी बना सकते हो. मैं इजी से ग्राफ बना रहा हूँ, तुम कैसे भी बना सकते हो. तो इस तरह या ऐसा हो सकता है, कैसे भी बनाओ तुम्हारी मर्जी है. सो ये इक्वल होने चाहिए दोनों पॉइंट, है ना. तो ये ए एफ ए और बी एफ बी ये वाला पॉइंट है एक्चुअली, ठीक है ना. कहना चाह रहा है कि एफ ए और एफ बी इक्वल है, तो इन दोनों लाइन को अगर तुम ज्वाइन कर दो, इन सॉरी इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो जो लाइन बनी, तो इस लाइन का स्लोप क्या है, व्हाट इज स्लोप ऑफ दिस लाइन, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है. यस, और एफ बी और एफ ए क्या दिया हुआ है आपको, तो क्या हो जाएंगी जीरो. तो ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसका स्लोप है जीरो एक्चुअली, ठीक है ना. मतलब वो आप जानते हो कि दो पॉइंट है x1 y1 x2 y2, तो स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना, उस स्लोप का होगा. यहाँ पे चूंकि x एक्सिस के पैरेलल है स्लोप जीरो है, तो ये इसीलिए कहना चाह रहा है कि अगर ऐसा हुआ, कॉन्टिन्यूअस भी है डिफरेंशिएबल भी है, तो बीच में एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पे जो स्लोप इस लाइन सेगमेंट का है ज्वाइनिंग दिस एंड ये इक्वल रहेगा. मतलब कहने मतलब क्या है कि क्यों एक ऐसा पॉइंट आपको मिलेगा ए बी के बीच में जिसपे स्लोप ऑफ टेंजेंट
ये टेंजेंट की स्लोप जो है एक्स एक्सिस के स्लोप के इक्वल होगी, तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज जीरो एक्चुअली, है ना। तो या ऐसा बोले कि टेंजेंट उस पॉइंट पे जो होगा पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के, ये मतलब है ना। तो एफ डैश सी जो होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट सी और इक्वल टू जीरो, जीरो किसका स्लोप है एक्स एक्सिस का, तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल एक टेंजेंट जरूर मिलेगी ये कहना चाहता है। यू विल गेट अ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज जीरो। तो एफ डैश एक्स को तुम ये लोअर क्लास में पढ़े होगे, तो इसका मतलब है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स इज इक्वल टू सी इज जीरो, इसका ये मतलब है कि टेंजेंट का स्लोप उस पॉइंट पे कोई सी पॉइंट जरूर मिलेगा जहां पे टेंजेंट उस पॉइंट पे उसका स्लोप जीरो होगा, ये मतलब है। तो ये तो हो गया आपका रोल्स थ्योरम, है ना। कई बार क्या करता है फंक्शन दे दिया, पूछ लेगा सी की वैल्यू बताओ इन द रोल्स थ्योरम, इस तरह से, या कुछ थोड़ा ट्विस्ट कर देगा उसको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अब लाग्रांज़ मीन वैल्यू थ्योरम। सो लाग्रांज़ मीन वैल्यू थ्योरम है ना। सो लाग्रांज़ मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है, कोई बताओ इसका स्टेटमेंट भी इजी है, जस्ट रोल्स थ्योरम का ही जनरलाइजेशन है। सिमिलर है ना, सिमिलर ही है। सो अ फंक्शन एफ जो कि डिफाइंड है क्लोज इंटरवल ए बी टू आर, दिस इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी कॉमा डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, सिर्फ इतना ही रिक्वायरमेंट है, यहाँ एफ और ए बी जरूरी नहीं इक्वल हो, ठीक है। तो देन देयर एग्जिस्ट अ नंबर, सो देयर एग्जिस्ट अ नंबर सी, मान लो कोई स्मॉल सी है इन द इंटरवल ए बी सच दैट, कि यहां जो एफ डैश सी होगी, तो फिर से वही मतलब है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी दैट इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये मतलब होगा। तो यहां भी आप ग्राफ बना के इसको, जैसे शुरू में बना रहा था जो ग्राफ में, इस तरीके से मान लो यहां पे है कि ये ए नंबर है, यहां पे रफली समझा रहा हूं बी है, सो इन दोनों को ज्वाइन करो, ये कहना चाहता है कि ये जो स्लोप इसका होगा, ये पॉइंट है ए कॉमा एफ ए और ये पॉइंट है बी कॉमा एफ बी, है ना। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ए कॉमा एक्स कॉमा वाई, तो वाई इज एफ एक्स, सो दिस स्लोप, तो ये कहना चाहता है कोई एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पे टेंजेंट इसके पैरेलल होगा, तो मतलब यू नो दैट टू लाइंस आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर इक्वल, तो टू लाइंस पैरेलल है उसका स्लोप इक्वल होंगे। सो यहाँ ये कहना चाह रहा है कि स्लोप्स होंगे इन दो लाइन का, ये इक्वल रहेगा एक्चुअली, ठीक है ना। ये क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी और ये है आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट या स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग पॉइंट, सो स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स ए कॉमा एफ ए एंड बी कॉमा एफ बी, इस तरीके से। सो ऐसा है आपके पास, ठीक है ना। तो ये जनरल केस हो गया, इसी में आप एफ ए और एफ बी को इक्वल करेंगे तो आप क्या मिल जाएगा, आपको रोल्स थ्योरम आ जाएगा। तो रोल्स थ्योरम क्या है, स्पेशल केस हो गया मीन वैल्यू थ्योरम का, ऐसा कह सकते हैं। ओके, स्टेटमेंट क्लियर है सबको, तो स्टेटमेंट एटलीस्ट याद होना चाहिए, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं। जैसे मैं अगर क्वेश्चन लिखूं आपको कि मान लो, तो एक क्वेश्चन है,
कि f कोई फंक्शन है, सो कंसीडर, जस्ट देखो, जस्ट अप्लाई करना है थ्योरम तुम्हें, स्टेटमेंट बड़ा एक क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखो क्या आता है। सो माइनस वन टू वन टू आर एक फंक्शन डिफाइंड है, दिस एज सो एफ एक्स तुम्हें दे दिया जैसे x प्लस वन की पावर m इंटू x माइनस वन की पावर n। अब तुमसे पूछ रहा है कि देन यूजिंग रोल्स थ्योरम, ये तुमसे पूछ लिया या ऐसा ऑप्शन बना देता हूं, देन ऑप्शन ए रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल हेयर, ऑप्शन बी मेन वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल हेयर, ये ऑप्शन सी पूछ लेगा, इज एप्लीकेबल एंड एंड देयर एग्जिस्ट सी इन ए बी, जैसे लिखो एंड एफ डैश सी जीरो फॉर सी इज इक्वल टू एम प्लस एन अपॉन एम माइनस एन, या डी ऑप्शन इसी में लगा देता हूं, तो डी ऑप्शन है। जस्ट ये डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, डिफिकल्ट नहीं है, आसान क्वेश्चन ही बना रहा हूं, तो बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सो क्विकली आप लोग मुझे आंसर बताओ इसका, ट्राई करो आंसर बताओ। कौन सा ऑप्शन, डी फॉर डेली, अच्छा बाकी एबीसी गलत है। बाकी लोग पहला वाला नॉट एप्लीकेबल लिखा मैंने,
ओके ना, मैं सॉल्व नहीं कर रहा ना, मुझे समझ आ रहा है ना आप लोगों को क्या करना है। तो सिंपली आप चेक करो, क्लोरीन डबल डिफाइंड है, यस। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, यस। डिफरेंशिएबल भी है, यस। तो ये गलत है। मेन वैल्यू थ्योरम में दो ही चीज चाहिए, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, वो तो है ही, तो एप्लीकेबल तो होगा ही। रोल्स रूल एप्लीकेबल है और सी ऐसा है, तो ये सी की वैल्यू अलग आएगी, ठीक है ना। आप चेक कर सकते हो इजीली। तो चलो थोड़े आगे बढ़ो। तो अगला जैसे है, अरे तुम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन की क्या डेफिनेशन जानते हो? मेरी बात करो, ठीक है, या क्वेश्चन करके देख लो उस पे भी। सो जैसे मान लो अगर लिखते हैं हम तो सिमिलरली तुम ऐसे फाइंड कर ही लोगे f डैश c बराबर 0 करके, उस तरह से आ जाएगा। बट एनीवे, अगर मैं क्वेश्चन लिखना चाहूं, पहले ये बताओ इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन आप लोग क्या जानते हो? वो तो थ्योरम है, वो थ्योरम है। ऐसे डेफिनेशन क्या है? वो डेफिनेशन नहीं हो सकता, वो इफ एंड ओनली नहीं है। हाँ सर, वो पॉइंट ऐसा लिया कि x1 x2 फिर उसका फंक्शन वैल्यू f ऑफ x1 सिग्नेट f ऑफ x। सो मान लो f कोई फंक्शन डिफाइंड है a से लेके r में, a मतलब डोमेन है उसका, ठीक है। तो आपने डोमेन में दो पॉइंट कंसीडर किया, एक कोई है ना फंक्शन डिफाइंड है ए पे, एंड लेट्स से एक्स एंड वाई या एक्स वन कॉमा एक्स टू, दीज आर टू पॉइंट्स इन सेट ए, एक्स वन एक्स टू टू पॉइंट है ए में। तो यहां ऐसा होता है डेफिनेशन कि एफ इज इंक्रीजिंग फंक्शन इफ एंड ओनली। तो जब भी आप डेफिनेशन की बात करते हो तो इफ एंड ओनली इफ होनी चाहिए कि ऐसा है तो वो होगा, वो है तो ऐसा होगा, इफ एंड ओनली। So, f is increasing function if and only if, ये कहता है कि अगर x1 less than x2 हुआ, then, अब यहां जो increasing लिख रहा हूं उस level पे, इसका मतलब strictly increasing से है। वो NCERT में वहां दो कैटेगरी लिखते हैं, वो strictly increasing और increasing लिखता है। यहां मैं increasing लिखूंगा और non decreasing लिखूंगा। तो increasing का मतलब है strictly increasing से, ठीक है। तो x1 less than अगर x2 है, क्या होना चाहिए? strictly increasing मतलब बोलना चाह रहा हूं मैं, increasing का मतलब मेरा strictly increasing से, yes। so यहां क्या होगा? strictly less than f of x2 है ना, for all मतलब उस तरीके से है ना, x1 comma x2 belongs to a, इस तरीके से। so ये definition हो गया increasing function का। और अगर मैं non decreasing function लिखता हूं, जरा समझो, non decreasing function लिखता हूं, तो अगर मैं नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन लिखता हूं तो इस केस में, ये सब बेसिक से चल रहा है, जो आज स्टार्ट किया वो बेसिक से चल, जो क्लास 12th में भी है, मैं कुछ नया नहीं करा रहा, सब आप लोग को आता, बेसिक से है। सो नॉन देखिए इसका हेल्प यूज, अभी क्वेश्चन लिखूंगा यहां भी गलती करोगे आप, देखना अभी अगला क्वेश्चन लिखता हूं मैं। सो नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, सो ये क्या होता है, इसका डेफिनेशन होगा कि मान लो फिर से फंक्शन डिफाइंड है a टू r, ठीक, और x1 कॉमा x2 a में है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन गिवन है आपको कि फंक्शन जो कैपिटल a से लिख रहा हूं, वो डोमेन है फंक्शन का। डोमेन क्या है कि सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x एट व्हिच फंक्शन इज डिफाइंड, एंड x1 x2 सेट a में है। तो ऐसा है कि मैं बोलूंगा फंक्शन f जो है, f इज नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन इफ एंड ओनली इफ, क्या होगा कि अगर x1 less than x2 है, then क्या लिखूंगा यहां पे, f of x1 greater than f of x2। मैं क्या लिख रहा हूं, नॉन डिक्रीजिंग लिख रहा हूं ना, मतलब इंक्रीजिंग या कांस्टेंट,
ऑर्डर सेम रहेगा, जो इनइक्वालिटीज के ऑर्डर सेम रहेंगे इंक्रीजिंग के सेंस में अगर बात कर रहे हैं तो। अभी मैं एक क्वेश्चन इन दोनों पे लिखूंगा, अभी चेक करते हैं कितने लोग सही बताते हैं। देखो, सो इफ एंड ओनली इफ एफ एक्स वन और एफ एक्स टू फॉर ऑल एक्स वन कॉमा एक्स टू बिलोंग्स टू ए। अभी डेफिनेशन ढंग से समझ लो, ये हुआ डेफिनेशन। अब अगला जो आप डेरिवेटिव टर्म में जो लोग आप जानते हो वो थ्योरम है। ओके, सो समझ लो क्या कहते हैं, पहले डेफिनेशन होता है, डेफिनेशन के बाद लाइफ को आसान बनाने के लिए, कैलकुलस को आसान बनाने के लिए हमें थ्योरम्स दिए जाते हैं। सो मैं उसको आगे लिखता हूँ और फिर मैं उसको क्लियर करूंगा। तो ये डेफिनेशन है, इस पे बेस्ड मैं थ्योरम लिखता हूँ जो लोग आप कह रहे थे। सो क्वेश्चन ये है, सेलेक्ट ट्रू स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है ए, एफ इज इंक्रीजिंग देन एफ डैश एक्स इज मोर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू। अब मैं क्या लिखूं, डोमेन। तो मान लो ऐसा है, फॉर फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू आर, सो ए डोमेन है इसका, ठीक है ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। दूसरा स्टेटमेंट है कि एफ डैश एक्स मोर देन जीरो इंप्लाइज फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज F is increasing. तो यहां increasing से मेरा मतलब strictly increasing से है। यहां increasing का मतलब वही domain पे increasing है ना। वैसे एग्जाम में फंसाएगा आपको, बताइए एमएसक्यू है, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, क्योंकि ये सब क्लास 12 में भी आप लोग पढ़ चुके हैं, तो नया नहीं है। कुछ लोगों का आंसर आया ए बी सी, ए कैटेगरी के लोग हैं, हाँ, और B और D दूसरे लोग आया, हाँ। चलिए ए और बी भी एक कैटेगरी है। ओके, अब देखो अगर ये वाला डेफिनेशन होगा तो इफ एंड ओनली इफ होना पड़ेगा। वो कहते हैं डेफिनेशन पूछा, तुम बता रहे थे एफ डैश के टर्म में, तो अगर डेफिनेशन कभी तुम बता रहे हो किसी टर्म में तो वो इफ एंड ओनली इफ होना चाहिए। वन वे वाला कभी डेफिनेशन नहीं हो सकता, डेफिनेशन इफ एंड ओनली इफ वाला ही होगा। चलो, तो बाकी सिर्फ तीन चार लोगों ने आंसर दिए, बाकी लोग। सो अगर इंक्रीजिंग है मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो एफ डैश ए मोर देन जीरो होगा, तो ये डेफिनेशन से भी क्लियर हो जाएगा। नहीं, पहला ऑप्शन तो डेफिनेशन से आ जाएगा, मीन वैल्यू थ्योरम से आ जाएगा, या उसके डेफिनेशन से आ जाएगा।
डेफिनेशन सही लगा लो या मीन वैल्यू थ्योरम भी सोच सकते हो कि कोई भी पॉइंट ले लो उस इंटरवल में, अगर एक को मैं क्लोज इंटरवल ले लूँ मान लो, तो देखो ये तो करेक्ट है, ये जरूरी नहीं है। अच्छा एक मिनट, मैं कैसे बोल सकता हूँ, मुझे एग्जांपल देना पड़ेगा नहीं तो। या मैं अगर आर से आर में बात करता, ठीक है एक एग्जांपल दे दूंगा तो काफी है। जैसे फंक्शन एक्स क्यूब के बारे में सोचो, तो एक्स क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या है, 3x2। तो 3x2 क्या होगा, हमेशा स्ट्रिक्टली मोर देन 0 होगा या मोर देन इक्वल टू 0 होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा। नहीं पॉजिटिव हमेशा क्या होगा, डोमेन उसका रियल नंबर है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। यस, क्योंकि 0 पॉजिटिव नहीं होता है ना, तो जब हम पॉजिटिव बोलते हैं तो 0 से ज्यादा होगा फिर। सो हाँ नॉन नेगेटिव हो गया, तो उस केस में समझो जरा, एक्स क्यूब क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, लेकिन उसका डेरिवेटिव क्या हो रहा है, 3x2 है। क्या 3x2 हमेशा मोर देन 0 होगा, यस और नो? हमेशा पॉजिटिव होगा। अरे उल्लू पॉजिटिव कैसे होगा, fx बराबर एक्स क्यूब है, f यहाँ r से r में है, तो वो जो कैपिटल A में क्वेश्चन में लिखा हूँ वो यहाँ r है। अब इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो मुझे पता है दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। कैसे पता है मुझे, ग्राफ से पता है या इसका डेफिनेशन से पता है मुझे कि अगर x1 लेस देन x3 लेंगे, x2 लेंगे, तो x1 क्यूब हमेशा लेस देन x2 क्यूब ही होगा। तो ये हो गया क्लियर डेफिनेशन से। तो ये लाइन मैं कैसे यूज कर रहा हूँ, डेफिनेशन से, बाई दिस थिंग, दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो मैं कैसे क्लेम कर रहा हूँ x3 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, बाई डेफिनेशन कि x1 लेस देन x2 है तो x1 क्यूब ही लेस देन x2 क्यूब ही होगा। तो ये प्रूव कर रहा है ये चीज कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। फाइन, अब मैं इसका f(x) निकालता हूं, वो है 3x2। क्या ये स्ट्रिक्टली मोर देन 0 होगा, क्या ये ट्रू है? फॉल्स है ना, तो ये तो फॉल्स हो गया लाइन। सो दिस इज फॉल्स, ये लाइन फॉल्स है। क्यों? क्योंकि ये 0 भी हो सकता है, यहां इक्वल नहीं लगाया मैंने। तो इस एग्जांपल से मैंने प्रूव कर दिया कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो पहला ऑप्शन रॉन्ग कर दिया मैंने, प्रूफ फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है, चेक करो कि अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो कोई जरूरी नहीं कि f(x) मोर देन 0 ही होगा, जबकि तो हो सकता है सर। एक एग्जांपल log x, देखो गलत दिखाने के लिए एक एग्जांपल काफी है, फाइन। हाँ अब log x क्या करना, log x काउंटर एग्जांपल हो सकता है, जैसे x3 यहां लिया काउंटर एग्जांपल मैंने, लॉग का डोमेन 0 से मिनट, चलो ट्राई करके देखते हैं जो आप कहना चाह रहे हो। तो जो लॉग एक्स है पहला एग्जांपल, दूसरा जो लॉग का डोमेन है वो होता है 0 से इनफिनिटी, उसका डोमेन है लॉग का, और fx आपका है लॉग एक्स। सो बेस e की बात कर लेते हैं। सो इसका ग्राफ है ना, एक्स क्यूब का अगर ग्राफ बनाते हो आप कैसा होता है, ये एक्स क्यूब का ग्राफ है, लॉग का ग्राफ बनाते हो कैसा होता है, लॉग है ना, लॉग 0 माइनस इनफिनिटी और लॉग 1 0। सो लॉग भी जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, डेफिनेशन से भी चेक कर सकते हैं। ओके सो दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। हाँ अब क्या करें, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x, लेकिन 1/x तो हमेशा मोर देन 0 होगा। ठीक है ना, क्योंकि x पॉजिटिव है तो 1/x भी पॉजिटिव होगा, तो यहाँ ट्रू हो जा रहा है। लेकिन करोड़ों एग्जांपल किसी स्टेटमेंट को ट्रू कह रहा तो ट्रू नहीं हो, जरूरी नहीं ट्रू होगा, एक ने गलत कह दिया तो वो गलत हो जाएगा। एक्स क्यूब मेरा ऐसा एग्जांपल है जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, लेकिन उसका डेरिवेटिव जरूरी नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव ही हो, वो 0 भी हो सकता है, तो इसीलिए पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है मेरा। तो इसीलिए ये कभी डेफिनेशन नहीं हो सकता। जो मैं पूछा था शुरू में, कोई बताओ मुझे कि फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है, तो अगर आप इंटरव्यू में या कहीं पे ये लिख देते हो कि f(x) मोर देन 0 है, तो मतलब आपको डेफिनेशन नहीं पता है, क्योंकि डेफिनेशन इफ एंड ओनली होता है। तो ये कभी डेफिनेशन तो हो ही नहीं सकता इंक्रीजिंग फंक्शन का, इंक्रीजिंग मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का। तो अगर कोई बोलता है फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इफ एंड ओनली f(x) मोर देन 0, तो गलत कह रहा है।
एग्जांपल एक्स क्यूब मेरे सामने है, ओके ये ओके है, इसका डेफिनेशन लिख लो तू, एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो तो वो डेफिनेशन में फिट बैठ जाएगा कि ऐसा अगर हो रहा है तो इंक्रीजिंग हो जाएगा, सिंपल इंक्रीजिंग, यहां कोई दिक्कत नहीं है तो एसीडी में कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम चाहो तो काउंटर एग्जांपल ढूंढो, तुम्हें गलत लग रहा है तो। अब मजे की बात क्या है, तीन लोगों ने आंसर बताया, किसी ने भी सही आंसर बताया क्या? ए बी सी, किसी ने सही आंसर नहीं बताया। आप चेक करो एक बार, इसका काउंटर एग्जांपल ढूंढो, अगर मान लो लगता है आपको बी सी डी इनकरेक्ट हो सकता है तो यू ट्राई टू फाइंड सम काउंटर एग्जांपल। इसका प्रूफ मीन वैल्यू थ्योरम से आ जाएगा, इन तीनों लाइन का प्रूफ यहां से, मतलब यस प्रूफ कर सकते हो तुम। नॉन डिक्रीजिंग है, x1 लेस देन x2 लो, देन fx1 लेस देन इक्वल टू fx2। अब मीन वैल्यू थ्योरम में क्या है कि उससे तुम प्रूफ दिखा सकते हो, उसको यूज करके, या डेरिवेटिव के डेफिनेशन से भी कर सकते हो प्रूफ। तो देखो, इन नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन को तुम ऐसा जरूर लिख सकते हो कि अ फंक्शन इज नॉन डिक्रीजिंग इफ एंड ओनली इफ f dash x is more than equal to 0, क्योंकि दोनों तरफ से true है वो, but इस इंक्रीज में ऐसा जरूरी नहीं है। इसे छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं, अब 11 तो सबने पढ़ा है, लेकिन आपको ये ऑब्जर्व आपने नहीं किया होगा शायद, तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने सफिशिएंट टाइम रिवीजन नहीं किए, या वो कॉन्सेप्ट उतना क्लियर नहीं है जितना होना चाहिए। आपने पढ़ा है, आपको समझ है, लेकिन उतना क्लियर नहीं है आपको, क्योंकि कब क्लियर होता है, बड़े बड़े डिटेल में रिवीजन करते हैं तो चीजें और बारीकी से समझ आती है ना। मैं ये चीज है, ओके सेम चीजें मैं डिक्रीजिंग के लिए कर सकता हूं। तो इसी में अगर मैं कंटिन्यू करता कि डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, सो वैसे ही डेफिनेशन हो जाएगा कि कोई फंक्शन f है a टू r में, तो a इसका डोमेन है और x1 कॉमा x2 आपका a में है, तो हम बोलेंगे कि जो फंक्शन f है, f इज डिक्रीजिंग फंक्शन if and only if, अगर x1 less than x2 है, then क्या होना चाहिए? fx1 fx2 में क्या रिलेशन होगा? greater than, है ना? तो भाई decreasing मतलब strictly decreasing की बात कर रहा हूँ, तो inequality strict रहेगी for all x1 comma x2 belongs to a, और similarly मैं non increasing की बात करूँगा, नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन, सो एफ ए से आर में है, ठीक है ना? तो यहां से होगा फंक्शन ए से आर में, फिर से तो डेफिनेशन होगा एफ का, एफ इज नॉन डिक्रीजिंग इफ एंड ओनली इफ एक्स वन लेस देन एक्स टू, देन एफ एक्स वन मोर देन इक्वल टू एफ एक्स टू फॉर ऑल एक्स वन कॉमा एक्स टू बिलोंग्स टू ए, इस तरीके से। अब तो इसी पे वो क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं सेम सिमिलरली। तो मान लो सिमिलरली तुम है ना, इसी को अगर मैं चाहूं, इसी क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर ले, अगर हम ठीक है, मान लो सेकेंड क्वेश्चन इसको बना दे, अगर ये क्वेश्चन नंबर टू है, अब यहां इंक्रीजिंग की जगह मैं डिक्रीजिंग कर दूं, है ना, तो यहां डिक्रीजिंग कर दूं, सो यहां भी इंक्रीजिंग कर दें हम, ठीक है, और यहां इंक्रीजिंग कर दें, सो फिर से सेम ही ऑप्शन रहेगा। एग्जांपल यहां पे माइनस एक्स क्यूब ले लो, तो अगर डिक्रीजिंग है तो कोई जरूरी नहीं एफ एक्स मोर देन जीरो ही होगा, है ना, माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, तो इसके लिए काउंटर एग्जांपल था एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब, यहां माइनस एक्स क्यूब ले लो, क्या दिक्कत है?
ओके तो यही इस तरह क्वेश्चन है घुमा के पूछ लेगा एग्जाम में तो गलतियां कर जाते हैं बच्चे। चलो कुछ और क्वेश्चन देखता हूँ, मतलब थ्योरी आगे देखते हैं। ठीक है देखो मैं तो डेफिनेशन तो मैं थ्योरम एज ए थ्योरम लिखा देता हूँ अब। सो एज ए थ्योरम उसी चीज को मैं एज ए थ्योरम लिखा देता हूँ कि अ फंक्शन, कोई फंक्शन है ठीक है ना, मान लो कोई फंक्शन एफ है, चलो आर पे डिफाइंड है आर टू आर ठीक है ना, तो अ फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर पूरे रियल नंबर पे अगर है, दिस इज नॉन डिक्रीजिंग इफ एंड ओनली इफ, तो यहां इफ एंड ओनली इफ है, इफ एंड ओनली इफ एफ डैश एक्स इज मोर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। सिमिलरली दूसरा थ्योरम इसी को मैं अगर लिखूं कि अ फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर दिस इज नॉन इनक्रीजिंग इफ एंड ओनली इफ एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो। बस उसी क्वेश्चन को मैं अब जो थ्योरम लिख दिया, अगला थ्योरम लिखेंगे कि यहां क्या होगा, अ फंक्शन एफ इज सेटिस्फाइज कन्वर्स ट्रू नहीं है ना, रिमार्क में लिख सकते हो तुम कि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, एक मिनट है ना। हाँ अगर इंक्रीजिंग है तो जरूरी नहीं एफ एक्स मोर देन जीरो होगा, सो कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स ऑफ एबव थ्योरम इज नॉट ट्रू। एग्जांपल था एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब, ठीक है एग्जांपल क्या एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब इस तरीके से, और सिमिलर में ये भी थ्योरम लिख सकता हूँ, यही चीज लिखा जा सकता है उसके लिए ना, तो यही चीजें इसके लिए भी लिखी जा सकती है, रिमार्क टू बोल लो। सो फंक्शन एफ सेटिस्फाइज एफ डैश एक्स स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो मान लो, सो ये क्या है स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो है फॉर ऑल दिस, देन एफ इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, देन एफ इज अ डिक्रीजिंग मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ठीक है ना, तो डिक्रीजिंग मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एंड कन्वर्स ऑफ एग्जाम्पल यहाँ ले लो माइनस एक्स क्यूब का, तो यहाँ एग्जाम्पल है तुम्हारा माइनस एक्स क्यूब ठीक है, तो वो चीज है। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो एग्जाम में इसी पे क्वेश्चन बना देगा, फिर आपको क्लियर नहीं है तो फंस जाओगे आप। ओके तो थोड़े आगे बढ़ते हैं, अगला कुछ क्वेश्चंस है ना। तो बस यहाँ क्या करना, इफ एंड ओनली इफ किसके केस में है, नॉन डिक्रीजिंग के केस में है बस, या नॉन इंक्रीजिंग के केस में इफ एंड ओनली इफ, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सिर्फ वन वे है कि अगर ऐसा है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, अगर ऐसा है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, उल्टा सही नहीं है।
बाकी हमने अभी देखा था रॉल्स थ्योरम देखा है, हमने मीन वैल्यू थ्योरम देखा है, अभी इंक्रीजिंग के डेफिनेशन, डिक्रीजिंग के डेफिनेशन, नॉन डिक्रीजिंग के डेफिनेशन, नॉन इंक्रीजिंग के डेफिनेशन, उसमें वेस्ट थ्योरम देखा है। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम हमने लास्ट क्लास में देखा था कि लाइक कोई हमारे पास एक फंक्शन है जो कॉन्टिन्यूअस है इंटरवल ए बी पे, और एफ ए और एफ बी का साइन अपोजिट है, तो एक ऐसा पॉइंट मिलेगा या एक ऐसा पॉइंट सी मिलेगा ए बी के बीच में, इस तरीके से कि मतलब एफ ए और एफ बी के बीच कोई भी एक नंबर सी है, तो कोई ऐसा पॉइंट आपको मिलेगा के जहाँ एफ के इज इक्वल टू सी हो जाएगा। इस टाइप से देखा था हमने कि उस बीच की सारी वैल्यू अटेन करेगी। सेम चीज़ें अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो के कोई नंबर एफ डैश ए और एफ डैश बी के बीच है, तो कोई ऐसा पॉइंट आपको मान लो के मिलेगा, है ना, जहाँ एफ डैश के बराबर सी हो जाएगा। इस तरीके से हमने वहाँ देखा था, ठीक है ना, पिछले क्लास में। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम की बात कर रहा हूँ मैं। तो आगे अगर इसको कंटिन्यू करें, जी स्पेशल केस था कि जहां जीरो लाना है, तो वहां पे उस केस में फिर एक ऐसा पॉइंट सी मिलेगा इंटरवल ए में जहां एफ सी बराबर जीरो हो जाएगी। ओके सर, अदरवाइज सेम साइन है। हां, जरूरी नहीं है, कुछ भी साइन हो सकता है। एफ ए और एफ बी के जो भी वैल्यू है उसके बीच के कोई भी पॉइंट अगर आप सी ले रहे हो, या मान लो के है तुम्हारी मर्जी, कोई कांस्टेंट लो, तो एफ ए और एफ बी के बीच मान लो के है, के एफ ए और एफ बी के बीच है, सो देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी इन द इंटरवल ए बी सच दैट एफ सी इज इक्वल टू के, ये मतलब है। अगर बीच में बना तो उसमें जीरो एफ ए और एफ बी के बीच। ओके, जैसे तुम अच्छा लास्ट क्लास हमने डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स देख रहे थे ना, तो हमने रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन आप सबको पता ही है ऐसे, तो जैसे सम रूल था, मान लो आप ये जानते हो सिंपली कि एफ प्लस जी का डेरिवेटिव है तो एफ डैश प्लस जी डैश, एफ माइनस जी कहीं माइनस लगा दो। प्रोडक्ट भी आपने देखा ही था, आपको पता ही है एफ इंटू जी का डेरिवेटिव है एफ जी डैश जी एफ डैश, एफ अपॉन जी का डेरिवेटिव है तो एफ डैश जी माइनस जी डैश एफ अपॉन जी स्क्वायर, के इंटू एफ है इसका डेरिवेटिव तो के बाहर एफ डैश एक्स। फिर आप ये तो हो गया सिंपली सम रूल, डिफरेंस रूल, प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल और स्केलर मल्टीप्लीकेशन। फिर एक आता है कॉम्पोजिशन, मान लो एफ ओ जी ऑफ एक्स है और इसको आप मान लो डिफरेंशिएट कर रहे हो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या आता है ये? याद है ना आपको इसका मतलब क्या था? हाँ, यस यस, तो इसका नाम चेन रूल है। सो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यही ना, इसको ऐसा लिख सकते हैं एफ ओ जी को हम लोग एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो पहले आप एफ को डिफरेंशिएट करेंगे जी के रेस्पेक्ट में, मतलब जी एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ऐसा रहेगा इनटू जी डैश एक्स। तो ये जो फॉर्मूला है इसका नाम है चेन रूल, तो ये जो फॉर्मूला है इसका नाम है चेन रूल, है ना। इसका नाम था सम रूल, डिफरेंस रूल, प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे, और वो है चेन रूल, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आप यूजुअली फेस करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल डेरिवेटिव है ना ई की पावर एक्स स्क्वायर का, इस तरह के क्वेश्चन आप लोग मिलता है अक्सर, तो आप क्या करते हो ई की पावर एक्स स्क्वायर का टू एक्स, ये आंसर हो गया e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x सेम एंड x स्क्वायर का, x की जगह x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 है, चेन रूल। तो इसलिए कह रहा हूं ये सब चीजें क्लास 12th में है, जो भी आज हम डिस्कस किया है या कर रहे हैं सब क्लास 12th के एनसीईआरटी में है, बस मैं रिवाइज करा रहा हूं क्योंकि सिलेबस का पार्ट है वो, इसीलिए। तो एक बार एनसीईआरटी क्लास 11 12th का रिवाइज करो और कुछ डाउट हो तो पूछो।
हाँ सर, कोई फंक्शन है सर मेरा 1/q(v), हाँ ये सर कैसे डिफरेंस होगा सर का जी वाला फंक्शन है 1/u(v), तो उसको क्या करना है डिफरेंशिएशन। हाँ तो सिंपल है ना, क्या दिक्कत है। मान लो ऐसा तुम्हारा फंक्शन अगर है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, चेन रूल लगाओ इसमें, क्या करोगे पहले किसका डेरिवेटिव करोगे, 1/x का। तो मान लो ये x है तुम्हारा अभी, तो 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x2। तभी 1/x का डेरिवेटिव हो गया। अब x की जगह u v है तुम्हारा, तब u v का डेरिवेटिव करो, तो अब u(v) का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अब इसको आगे ओपन करो, -1/uv2, वही जो करते हो पहले से तुम, क्या करते हो u(v'v)u', जैसे भी कर लो, ये आ गए, ठीक है। ओके सर। तो ये चेन रूल यहाँ भी लगा है, तो इस तरीके से। हाँ तो बड़ा तरीके लग गया था ना सर। ओके जैसे लिमिट निकाला था सर, तो मैं सर आया था सर। हाँ एक वन इनफिनिटी माना था कि बट इस उसमें सर एक डिफरेंस आ रहा। अच्छा ये बताओ क्रिटिकल वैल्यू तुम लोग जानते हो क्या होता है फंक्शन का, क्रिटिकल वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, ये आई थिंक डिस्कस किया था, किया था क्या, व्हाट इज डेफिनेशन। तो मॉड एक्स का क्रिटिकल पॉइंट क्या है, बताकर तुम कह रहे थे, बताओ क्या कह रहे थे। हाँ आई थिंक देखो पहली बात डेरिवेटिव तब करोगे ना जब डिफरेंशिएबल होगा, तो पहली चीज है अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है किसी पॉइंट पे तो वो पॉइंट भी क्रिटिकल पॉइंट है, और अगर डिफरेंशिएबल है तब डेरिवेटिव उस पॉइंट पे जीरो रखना है, मतलब जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो आएगी वो क्रिटिकल पॉइंट होगा। तो पहले तुम्हें ये देखना है कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, तो जो जो पॉइंट ऑफ नॉट डिफरेंशिएबिलिटी है वो भी एक क्रिटिकल पॉइंट है, और अगर डिफरेंशिएबल है फंक्शन देन जिन जिन पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो हो रहा है वो भी क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है ना। तो आगे हम देखेंगे किसी फंक्शन में मैक्सिमा या मिनिमा अगर एग्जिस्ट करेगी तो वो क्रिटिकल पॉइंट पे ही एग्जिस्ट करेगी, तो जरूरी नहीं कि डेरिवेटिव जीरो आया हो उस पॉइंट पे, वो पॉइंट ऐसा भी हो सकता है जहाँ डिफरेंशिएबल हो ही ना। मॉड एक्स ले लो, मॉड एक्स जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं है लेकिन मॉड एक्स की मिनिमम वैल्यू जीरो पे मिलती है ना। सो ओके तो वही बात करते हैं, क्रिटिकल वैल्यू फंक्शन है क्या होता है, ये क्रिटिकल पॉइंट ऑफ अ फंक्शन, क्रिटिकल पॉइंट लिख देता हूं। सो सिंपल है कि कोई फंक्शन तुम्हारे पास है ना, बहुत सारे पॉइंट डोमेन में है जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, जैसे मॉड एक्स में तुम्हारा जीरो हो गया, या कोई और फंक्शन ले लो है ना जब जो डिफरेंशिएबल नहीं है उस पॉइंट पे। तो मान लो एफ कोई फंक्शन है ए से आर में, ऐसे लिख देता हूं मैं, ए उसका डोमेन है, ठीक है ना। सो सो पॉइंट्स इन ए एट विच either f is not differentiable or, समझो मैंने क्या लिखा है कि वो पॉइंट्स a के डोमेन में वो सारे नंबर्स जहां पे या तो फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो तो वो भी क्रिटिकल पॉइंट होगा, अगर डिफरेंशिएबल हो, और का मतलब अगर डिफरेंशिएबल है और डेरिवेटिव इज जीरो। तो जब भी मैं लिख रहा हूं डेरिवेटिव इज जीरो तो मतलब मैं मान रहा हूं कि डिफरेंशिएबल है तभी डेरिवेटिव कर पाओगे ना, तो या तो फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है तो वो क्रिटिकल पॉइंट है, और अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो जिस पॉइंट पर डेरिवेटिव जीरो होगा वो क्रिटिकल पॉइंट होगा, ठीक है। तो सो पॉइंट्स इन ए एट विच आइदर एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल और डेरिवेटिव इज जीरो आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल, अब मैं तुमसे अगर एग्जांपल एक फंक्शन दे दूं, मान लो फंक्शन तुम्हारे पास है
क्या लिखू, जैसे तुम्हारे पास चलो ले लो x की पावर जैसे 1/3 है, क्या फंक्शन है वैसे कैसे, एक तो मॉड x सिंपल हो गया, जैसे मान लो मॉड x ही है, तो मॉड x में क्या है सेट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स, क्या होगा कौन कौन सा पॉइंट यहाँ क्रिटिकल पॉइंट है, क्या जानते हो मॉड x के बारे में तुम, ये कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है, जीरो पे ना, तो ये फंक्शन क्या है जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इसका मतलब है कि जो ये सेट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट जीरो है, मतलब जीरो जो है क्रिटिकल पॉइंट है क्योंकि जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है, अब ये जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है सो तुम जानते हो ये जो फंक्शन है f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 0, इसीलिए अब बताओ कोई ऐसा पॉइंट जहां पे f'(x) 0 हो जाए, होगा ही नहीं है ना, क्योंकि बाकी पॉइंट पे क्योंकि जीरो पे तो एग्जिस्ट कर ही रहा डेरिवेटिव है ना, इसका मतलब ये है कि f'(0) डज नॉट एग्जिस्ट, ये मतलब है, और बाकी पॉइंट पे देखोगे तो f'(x) 1 है व्हेन x मोर देन 0, f'(x) -1 है व्हेन x इज लेस देन 0, ये होता है ना इसमें, तो ऐसा है एक्चुअली, तो डेरिवेटिव कभी 0 आएगा ही नहीं है ना, तो यहां पर 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है इसीलिए 0, तो फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा उसी क्रिटिकल पॉइंट पे ही मिलेगा जो भी मिल सकता है, तो इस तरह से है। मैं एक क्वेश्चन लिखना चाह रहा था, वो क्वेश्चन कौन सा था, उसमें था हमारे पास इस तरह से कि हाँ मान लो चलो यही एक क्वेश्चन जो लिख रहा था, x की पावर 1/3 है जैसे, ठीक है ना, या प्लस में ले लो x इस तरह से, अब बताओ मुझे द सेट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ f, मान लो ऑप्शंस में लिख दूं एम्प्टी सेट मतलब 5, ऑप्शन बी सेट कंटेनिंग 1, ऑप्शन सी -1, ऑप्शन डी 0, बताओ क्या होगा, या और भी हो सकते मैं लिखा नहीं एक्चुअली, तुम पहले लिख के बताओ, तुम खुद ही बताओ, तुम दो चलो दो ऑप्शन तो मैं लिख ही देता हूँ, बाकी तुम ट्राई करके बताओ, सॉर्ट सेट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट ओनली 0, बाकी और कुछ नहीं हो रहा, सो यहाँ f'(x) निकालोगे तो क्या होगा, मैंने ट्राई किया है x की पावर ये 1/3 -1 प्लस 1, तो पहली बात इसको ठीक से लिखोगे तो ये हो गया -1/27, अच्छा तो देखो नहीं नहीं तो एक तो पहली बात तुम f'(0) निकालोगे एग्जिस्ट नहीं करेगी है ना, जीरो पे यहाँ डिफाइन ही नहीं होगा, सो पहली चीज यहाँ से तुम देख सकते हो f'(0) डज नॉट एग्जिस्ट, तो जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो जीरो एक क्रिटिकल पॉइंट हुआ, लेकिन जीरो के अलावा हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है ये, तो उसको डेरिवेटिव जीरो रख के देखो क्या आता है, तो बाकी पॉइंट पे क्या होगा f'(x) को जीरो पुट कर दो क्योंकि जीरो पे तो डिफरेंशिएबल नहीं है ना, बाकी पे तो होगा, तो यहाँ आ गया 3x^2/3 -1 ऐसा आएगा, तो यहां से x^2/3 -1/3, अच्छा तो मैंने ऐसा क्वेश्चन लिखा है कि ये इक्वल होगा ही नहीं है ना, अब ये पॉजिटिव नंबर है और ये नेगेटिव नंबर है, इक्वल कैसे हो सकता है, है ना, ये तो पॉजिटिव नंबर है तो यहाँ कोई x नहीं मिला एक्चुअली, ओके सो यहाँ पे कोई x है ही नहीं, सो x देयर इज नो रियल नंबर टू सेटिस्फाई दिस, नो सॉल्यूशन, यहां से आ गया नो सॉल्यूशन क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है और ये नेगेटिव हो गया, तो यहाँ मैं अगर माइनस एक्स देता, मान लो अगर मैं क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करता कि अगर मैं यहाँ -1 देता तो उस केस में फिर कुछ आंसर मिलते मुझे, तो यहाँ पे क्या करता मैं -1 मान लो देता, सो -1 तो यहाँ -1 तो यहाँ इक्वल टू +1 आता, यहाँ +1/3 फिर आंसर आता हमारे पास, ठीक है, तो उस केस में फिर हमारे पास आंसर आता, तो उस केस में फिर तुम्हारे पास x की वैल्यू होती तुम 1/3 की पावर हो जाएगी कितना 3/2 इस तरीके से, या इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो 3^-3/2 जैसे लिखना चाहो, तो अगर उस केस में अगर यहां माइनस कर देता हूं तब उस केस में आएगा 0 और 1/3 इसकी पावर 3/2,
तुम ऐसे भी लिख सकते हो 1/3√3, वही तो है ये, इसको ठीक से लिखो तो 1 + 1/2 कर सकते हैं ना, तो ये आ जाएगा 1/3√3, चेक कर लो एक बारी, ओके है ना, तो ये भी लिख सकते हो। एक मिनट, अच्छा हाँ, चूंकि ये पॉजिटिव नंबर था ना, तो मैंने इसको सिंपलीफाई किया है, एक मिनट। सो मैं नया क्वेश्चन बनाकर सॉल्व कर रहा हूँ, माइनस करके सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ तक ओके है, माइनस लगा दिया बीच में, माइनस यहाँ प्लस वन हो गया उधर जाके, तो एक मिनट यस। सो यहाँ वन है, तो चलिए पावर टू है ना यहाँ पे, तो एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा, अभी तो ये 1/3 है, ओके ये पावर 2/3 है, 2 मतलब स्क्वायर, एक्चुअली ऐसा है x की पावर 1/3 का स्क्वायर है एक्चुअली, यही ना, और ये है 1/3। सो यहां से x की पावर 1/3 आपके पास हो गया, ओके यस, सो प्लस माइनस 1/√3, ओके। और अब क्या कर रहे हो तुम, 1/3 इधर आएगा तो क्यूब हो जाएगा, है ना, चेक करना ठीक है ना। सो क्यूब हो जाएगा तो इसका मतलब हो गया x की वैल्यू आ जाएगी, हाँ सर हम लोग x की पावर 1/3 को सर डिनोमिनेट कर रहे हैं ना सर, यस, तो सर x की पावर -2/3 ना आएगी, जब तो है तो यहाँ -2/3 ये, ओके, तो उसी को माइनस हटाया तो नीचे आया ना ये, तो लिख के देखो तुम ठीक से, तो यहाँ से फाइनल आंसर आया क्यूब कर दो तो प्लस माइनस 1/3 करोगे 3√3, यस, तो इसने सही बताया। सो है ना, इस तरह के ऑप्शन बना सकते हैं हम लोग, तो गलतियाँ यहाँ हो जाती है, 1/3√3 यानी देगा 0, 1/3√3 -1/3√3, मान लो इस तरह कोई ऑप्शन है, तो यहाँ पे आंसर ये करेक्ट होगा, ठीक है। तो हमारे पास 3 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, एक्स बराबर 0, x बराबर 1/3√3 और x बराबर -1/3√3, सो ये 3 क्रिटिकल पॉइंट मेरे पास है, ठीक है ना। सो इन दोनों पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 है और इस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है, तो बाद में जब मैक्सिमम एंड मिनिमा करेंगे तो हम यही देखते हैं कि पहले क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, तो फंक्शन क्रिटिकल पॉइंट पे ही मैक्सिमम मिनिमा हो सकता है, मतलब अगर होगा तो, जरूरी नहीं क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमा होगा ही, मतलब अगर मैक्सिमम मिनिमा किसी पॉइंट पे मिल रहा है तो क्रिटिकल पॉइंट होगा, हर क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्सिमम निकालना जरूरी नहीं है, हाँ जैसे अभी बताएंगे एक्स क्यूब में तुम क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा ना एक्स क्यूब फंक्शन में, लेकिन 0 पे ना तो मैक्सिमा है ना ही मिनिमा है, तो हालांकि वहाँ पे 0 इन्फ्लेक्शन पॉइंट है ना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, वो भी डिस्कस करेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है, कि जहाँ पे फंक्शन का नेचर, वैसे क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पे फंक्शन का नेचर चेंज नहीं करता, इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग रह जाता है, तो अभी ओके हम एनीवे क्रिटिकल पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, तो क्रिटिकल पॉइंट ये हुआ कि फंक्शन अपने डोमेन के वो पॉइंट्स जहां पर डिफरेंशिएबल ना हो, अगर डिफरेंशिएबल है तो उस पॉइंट पर डेरिवेटिव 0 हो तो वो क्रिटिकल पॉइंट्स बनाएंगे, फिर बाद में मैक्सिमा मिनिमा में क्रिटिकल पॉइंट के बाद ही काम होता है आगे, ओके। ऐसे एक स्टेशनरी पॉइंट होता है, अगर उसकी बात करोगे तो जो क्रिटिकल पॉइंट होता है स्टेशनरी पॉइंट, ये क्या होता है, ये टू वेरिएबल में यूज होगा ये वर्ड, व्हाट इज स्टेशनरी पॉइंट, आइडिया है किसी को, नहीं किसी को आइडिया नहीं, सो स्टेशनरी पॉइंट का मतलब जहां पे डेरिवेटिव 0 हो, या वो पॉइंट कंसीडर नहीं करते जहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो स्टेशनरी पॉइंट का मतलब जहां पे डेरिवेटिव 0 हो, है ना। सो ये चीज है कि सेट ऑफ पॉइंट्स इन द डोमेन ऑफ फंक्शन, सर जी सर तो मिनिमम मैक्सिमम के लिए तो स्टेशनरी पॉइंट निकालना पड़ता है, टू वेरिएबल फंक्शन में, वन वेरिएबल में क्रिटिकल पॉइंट निकालना होता है, टू वेरिएबल में स्टेशनरी पॉइंट निकालना होता है, वन वेरिएबल में कहीं आपने देखा नहीं होगा, लिखा होगा स्टेशनरी पॉइंट फाइंड कर रहे हैं, किसी बुक में देख लो नहीं लिखा होगा, वहां क्रिटिकल पॉइंट लिखा होगा, टू वेरिएबल फंक्शन कैलकुलस में वहां स्टेशनरी पॉइंट निकालते हैं आप लोग, जहां फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में 0 पुट करते हैं और सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रेस्पेक्ट, मतलब
पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y जीरो पुट करते हैं, है ना। सो ये वर्ड फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में यूज होगा और फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में क्रिटिकल पॉइंट वाली, आप चेक करो कोई भी बुक में स्टेशनरी पॉइंट वन वेरिएबल में नहीं लिखा होगा, आप चेक करना, वो क्रिटिकल पॉइंट ही लिखता होगा। टू वेरिएबल में क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलेगा वर्ड, वहां स्टेशनरी पॉइंट लिखता होगा। सो द सेट ऑफ पॉइंट्स इन द डोमेन ऑफ फंक्शन एट व्हिच डेरिवेटिव इज जीरो, सो डोमेन के बहुत सारे पॉइंट जहां पर डेरिवेटिव जीरो है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। तो क्रिटिकल पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट दोनों डिफरेंट चीजें हैं, है ना, आपने भी देखा अभी। देखो एक क्वेश्चन ट्राई करो, मान लो क्वेश्चन नंबर 3 लिखूं मैं, एक fx है आपके पास और आपसे पूछ लिया जाए कि आपके पास fx है 1 जब x की वैल्यू है बिटवीन -1 एंड -1/2 एंड mod x है जब x की वैल्यू है -1/2 और 1/2 के बीच, और आपके पास है 1/√2 साइन पाई एक्स बाई टू, कब, जब एक्स की वैल्यू है 1/2 से 4 के बीच में। तो आपसे पूछ रहा है कि द सेट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ दिस फंक्शन, है ना, तो क्रिटिकल पॉइंट के अंदर ही स्टेशनरी पॉइंट भी आ जाएगा ऑब्वियसली। तो सेट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ एफ इज, आपको बताना वो सेट क्या है ना, इंटरवल भी एक सेट है तो जरूरी नहीं कि यही आएगा, तो आपको बताना वो क्या आएगा, ट्राई करके देखो। सिंपली चेक करो किस पॉइंट पे डिफरेंसिबल नहीं है, और पहले वो डिसाइड कर लो कहां कहां डिफरेंसिबल नहीं है, फिर उसके बाद डिफरेंसिबल जिन पॉइंट्स पे है तो डेरिवेटिव किस पॉइंट पे जीरो आएगी।
सर जी माइनस वन बाई टू जीरो वन बाई टू एंड थ्री माइनस वन बाई टू जीरो वन बाई टू थ्री वन बाई टू मतलब इन पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है क्या मतलब डिफरेंशिएबल अच्छा मतलब जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है तो वहाँ दिख रहा है वहाँ से और अगर आप हाफ पे फाइंड करोगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आएगी जीरो और राइट हैंड डेरिवेटिव आएगी वन माइनस माइनस हाफ पे तो डिफरेंशिएबल है माइनस हाफ पे अच्छा कॉन्टिन्यूअस नहीं तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा हाँ तुम ऐसे भी देख सकते हो यस सो माइनस हाफ पे लेफ्ट हैंड लिमिट वन है माइनस हाफ पे राइट हैंड लिमिट हाफ है तो कॉन्टिन्यूअस नहीं तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा तो माइनस हाफ पे डिफरेंशिएबल भी नहीं तो वो भी क्रिटिकल पॉइंट हो गया है ना और उसके बाद प्लस हाफ की बात करोगे अगर आप सो प्लस हाफ पे देख लो आप तो प्लस हाफ पे क्या हो रहा है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं तो उसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट है हाफ और राइट हैंड लिमिट होगी एक्स को हाफ रखोगे तो पाई बाई फोर वन बाई रूट टू वन बाई टू आ गई ऐसे इक्वल हो गई ना तो हाफ पे कॉन्टिन्यूस है लेकिन हाफ पे डेरिवेटिव जीरो हो रहा है क्या चेक कीजिए हाफ पे कॉन्टिन्यूस है ना अब डिफरेंसिबिलिटी चेक करनी डिफरेंसिबल है कि नहीं है तो हाफ चूंकि पॉजिटिव है तो उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वन आएगी और राइट हैंड डेरिवेटिव यहाँ से आएगी हाफ पे अब चेक करो इसको डिफरेंशिएट करके एक्स को हाफ रख के देखो क्या आता है तो कॉस पाई बाई फोर वन बाई रूट टू ओके तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा हाफ पे आई थिंक है ना क्योंकि उधर डेरिवेटिव वन आएगी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हाफ पे और राइट हैंड डेरिवेटिव आप फाइंड करोगे तो वो आएगी आपकी क्योंकि ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगी ना लेकिन चेक करना है पाई बाई टू बाहर आएगा और वन बाई रूट टू भी रहेगा कॉस हो जाएगा एक्स को वन बाई टू रखो कॉस पाई बाई फोर वन बाई रूट टू ही होता है तो वह भी इक्वल नहीं आएगा पर चेक कर लीजिए है ना तो इसीलिए हाफ भी वो है तो ये सब क्रिटिकल पॉइंट्स हैं चेक कर लीजिए फिर इस बीच में कोई पॉइंट होगा जहाँ पे डेरिवेटिव जीरो है आप चेक करो एक बार बीच में एक पॉइंट आएगा जहाँ पे डेरिवेटिव जीरो है फॉर एग्जाम्पल जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा पाई बाई टू टाइम वन बाई रूट टू कॉस पाई एक्स बाई टू कॉस की वैल्यू जीरो कब होती है हाँ कॉस जीरो से और मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू तो आप यहाँ पे पाई एक्स की वैल्यू वन हो गई तो भी थ्री हो गई तो भी है ना वन पे भी जीरो हो जाएगी ना तो यहाँ वन भी आ जाएगी चेक कीजिए आप लोग तो एक्स की वैल्यू जब वन आएगी तो भी क्रिटिकल पॉइंट है वन भी एक क्रिटिकल पॉइंट है मैं क्या बोल रहा हूँ है ना जीरो आएगी ना डेरिवेटिव जब आप कॉस साइन का डेरिवेटिव कॉस होगा इक्वल टू जीरो रख दो देखो इस इंटरवल में कौन कौन सा नंबर मिल रहा है क्योंकि इस पॉइंट के लिए ये फंक्शन है तो इसको जीरो डेरिवेटिव करके जीरो पुट करो तो फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होगा तो वही क्रिटिकल पॉइंट है तो इसमें देखो क्या आएगी वन आएगी थ्री आएगी ठीक है ना तो ये सब आ गए तो सेट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट इस क्वेश्चन में आ गया माइनस हाफ अच्छा पूरा इंटरवल नहीं आ जाएगा ये क्योंकि वन का डेरिवेटिव क्या होगा यस सर वो पूरा इंटरवल आ जाएगा है ना क्योंकि वन का डेरिवेटिव तो जीरो हो गया तो वन का डेरिवेटिव जब जीरो हो गया तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है उस इंटरवल में और डेरिवेटिव जीरो है पूरे इंटरवल में तो पूरा इंटरवल ही क्रिटिकल पॉइंट हो गया एक्चुअली सो फाइनल आंसर ये हो गया कि ये पूरी इंटरवल जो है माइनस वन टू हाफ माइनस हाफ ये पूरी इंटरवल ही क्रिटिकल पॉइंट है क्यों क्योंकि डेरिवेटिव जीरो है इन पूरे एक्स के लिए अच्छा माइनस हाफ पे डिफरेंशिएबल नहीं था इसलिए वो क्रिटिकल पॉइंट है ऐसे तो और हाफ पे डिफरेंशिएबल तो है लेकिन सॉरी सॉरी हाफ पे डिफरेंशिएबल ही नहीं है ना तो यूनियन मतलब तुम देखो हम लोग ऐसे ओनली डिसाइड कर रहे तुम एक बार कैलकुलेटर करके देखो तो हाफ पे डिफरेंशिएबल नहीं है ये फंक्शन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करके देखो हाफ पे ये डेफिनेशन लगा लो एफ एक्स माइनस एफ एफ हाफ अपॉन एक्स माइनस हाफ एक्स टेंस टू हाफ लगा के देखो क्या आंसर आता है एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट एक बार राइट हैंड लिमिट लगाओ तो एफ मतलब एफ डैश हाफ निकाल के देखो कहने का ये मतलब है तो वो आई थिंक एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कुछ और आएगी राइट हैंड डेरिवेटिव कुछ और आएगी तो इसीलिए हाफ हो गया अब आपके पास रहता है नेक्स्ट तो हाफ पे चेक कर लिया अब इसका डेरिवेटिव करोगे कॉस में आएगी कॉस पाई एक्स बाई टू जीरो होगा तब एंगल है और मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू तो एक्स की वैल्यू वन थ्री इस पॉसिबल इंटरवल में है तो वन थ्री सो दिस इज अ फाइनल आंसर ठीक है सो तो होगा सर हाँ हाँ एक मिनट यस यस
फोर का चेक करते हैं, फोर चेक नहीं किया, एंड पॉइंट है ना फोर, तो फोर पे क्या होगा, फोर पे क्या हो रहा है, क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल है फोर पे? हाउ विल यू डिसाइड? अच्छा फोर एंड पॉइंट एक्चुअली, तो जब भी किसी इंटरवल का एंड पॉइंट होता है तो हम डेफिनेशन लगाएंगे, चूंकि हालांकि एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम में यूज होता है, एंड पॉइंट को भी इंक्लूड करते हैं हम लोग, लेकिन अभी हमें देखना है कि हमारा जो डेफिनेशन के हिसाब से फोर होगा या नहीं होगा, चेक करो। सर मेरा जनरल इक्वेशन पर तो cos y x = cos n y / 2 इसमें तो n 4 पे होगा। अरे n pi / 2 नहीं, जैसे n को 4 रख दिया तो 4 रखोगे x को तो 4 pi / 2 कितना हो गया, 2 pi cos 2 pi 1, 0 नहीं आया ना, समझ आ रहा कि नहीं? हमें देखना है एंड पॉइंट में कैसे कैसे देखेंगे, एक बार बता दीजिए। हाँ एंड पॉइंट में कैसे चेक करेंगे, एक्चुअली यहाँ पे इसने डोमेन फोर तक ही रखा है ना, तो डिफरेंशिएबिलिटी एंड पॉइंट पे कैसे चेक करोगे, एंड पॉइंट पे ये फंक्शन हाउ विल यू चेक द डिफरेंशिएबिलिटी? तो एक्चुअली राइट हैंड डेरिवेटिव हम डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे ना इस पे, क्योंकि पता ही नहीं अगला फंक्शन क्या है मोर देन फोर पे, तो उस केस में तुम सिंपली चेक करो फोर पे फंक्शन डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, इसका डेरिवेटिव लो एक्स को फोर रखो क्या आ रहा है, मतलब एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, कर रहा है। हाँ तो इट्स दैट्स फाइन, क्योंकि ऐसे इंटरवल क्लोज कर दिया ना फोर पे, तो फोर पे जब इंटरवल क्लोज कर दिया है सो हालांकि किसी इंटरवल के एंड पॉइंट पे डिफरेंशिएबल तो ऐसे पॉइंट पे नहीं बोल सकते हम, तो क्वेश्चन ये है कि क्या फोर यहाँ पे इंक्लूड करेंगे कि नहीं। अगर तुम मान लो देखो सिंपल यहाँ पे तुम्हारा डेफिनेशन लगाओ, अगर तुम f डैश फोर निकालते हो ठीक, तो हमारा डेफिनेशन होगा x टेंस टू फोर एफ एक्स माइनस एफ फोर अपॉन एक्स माइनस फोर, ये डेफिनेशन है। अब f डैश डेफिनेशन लिखा था लास्ट क्लास में, हाँ जब डेफिनेशनिटी स्टार्ट किया होगा, तो ये डेफिनेशन f डैश फोर का। अब चूंकि जब x फोर के राइट हैंड साइड मतलब राइट हैंड लिमिट है तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, तो मैं सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल के ही चेक कर लूंगा डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, तुम चेक कर लो इस पे बस। तो यहाँ पे ये एग्जिस्ट करेगी एक्चुअली, यू चेक तो ये कुछ ना कुछ आंसर आएगा ना, x टेंस टू 4 लो लेफ्ट हैंड लिमिट लो, राइट हैंड में डिफाइंड ही नहीं है तो लेफ्ट हैंड लिमिट पर ही डिसाइड कर लेंगे हम, जैसे किसी फंक्शन में ऐसा ही होता है अगर डिसाइड करना है तो यू जस्ट टेक x टेंस टू 4 माइनस या 4 पे तो फंक्शन डिफाइंड ही है तो ये ओके होगा, तो मुझे लगता है 4 पे डिफरेंशिएबल है, डेरिवेटिव एडजस्ट करेगी ठीक है ना। लेकिन बाद में हम बताएंगे आपको कि एक्चुअली जब फंक्शन हम मैक्सिमा मिनिमा की बात करेंगे तो उस केस में क्रिटिकल पॉइंट और एंड पॉइंट साथ में हम कंसीडर करते हैं मैक्सिमा मिनिमा डिसाइड करने के लिए, तो उनमें क्रिटिकल पॉइंट या एंड पॉइंट जिसपे भी लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगी, जिसपे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मिनिमा होगी, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा अलग चीज है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा अलग चीज है, थोड़ा डिफरेंस है दोनों में ठीक है ना, तो ये चीज है तो वो आगे हम देखेंगे। तो अभी हम क्रिटिकल पॉइंट डिसाइड कर रहे हैं, सो फोर पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा अकॉर्डिंग टू मी ठीक है ना। अच्छा अभी हमने देखा था मीन वैल्यू थ्योरम, तो जो मीन वैल्यू थ्योरम हमने देखा वो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम था ना, ये हमने भी देखा है। एक होता है क्या होता है कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, हाँ ये जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम बोलते हैं, सो कॉची मीन वैल्यू थ्योरम या कुछ लोग इसको जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं। किसको याद है इसका स्टेटमेंट क्या होता है? क्या होता है बताओ? f and g both function f to R में है, तो f and g दोनों continuous होगा जब close interval पे और दोनों differentiation होगा open interval, but g का derivative जो है वो non-zero होना चाहिए। Then there exists a point c in between a b such that a b minus a b by g b minus g a equal to a plus c by g s.
यस सो यहाँ पे ये है कि जी डैश सी को नॉन जीरो होना चाहिए, अदरवाइज ये डिफाइंड नहीं होगा, और यहाँ जी ए और जी बी भी इक्वल नहीं हो सकता ना. ओके जो भी यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आप लिखोगे कि f और g आपके पास दो फंक्शन है. सो डेफिनेशन वही बिल्कुल है कि कोई फंक्शन f है जो क्लोज इंटरवल a b टू r में डिफाइंड है, g फंक्शन है जो क्लोज इंटरवल a b टू, वहां एक फंक्शन था यहाँ दो फंक्शन है, तो इसका स्पेशल केस मीन वैल्यू थ्योरम हो गया, मीन वैल्यू थ्योरम का स्पेशल केस रोल्स थ्योरम हो गया इस तरीके से. सो f एंड g आर continuous on closed interval AB, differentiable on open interval AB, ठीक है? Then इतना ही requirement है. Then there exist a number C in the interval AB such that, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? GB is different than GA, है ना? इसीलिए so simply तुम देखोगे यहाँ पे, अगर तुम GX को X मान लो, तो मान लो GX is equal to X है, तो यही वाली थ्योरम लग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम बन जाएगी, जो आप मीन वैल्यू थ्योरम सिंपली जानते हो. अगर GX को X ले लो तो क्या हो जाएगा, डैश सी यहाँ वन हो जाएगा, ए बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, तो GX को X ले लो तो स्पेशल केस आ जाएगा. तो ये जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम है, ये क्वासी मीन वैल्यू थ्योरम है. ओके नेक्स्ट, जैसे एक दो क्वेश्चन है देखो, जैसे मान लो लिखूं मैं, पहला क्वेश्चन है कि f इज अ फंक्शन डिफाइंड ऑन इंटरवल ए बी टू आर सच दैट f डैश x दिस इज जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी, देन f इज नेसेसरीली a constant function, ठीक है? This is necessarily a constant function on interval AB. F may not be a constant function, ठीक है ना? ऑप्शन सी एफ ऑफ ए प्लस बी बाई टू विल बी इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस बी बाई थ्री, अच्छा यहां पर तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा. लगता है ऐसा ही, हाँ जी एक मिनट. सो
कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? हाँ मल्टीपल, जो भी क्वेश्चन लिख रहा हूँ मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट। बट जरूरी एफ एक्स जीरो ही होगा, क्वेश्चन ये है। हाँ वही ना, हाँ क्योंकि कुछ भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, तो एफ एक्स जीरो होना जरूरी नहीं है। ये इम्प्लाई उसको कर रहा है, वो इसको इम्प्लाई नहीं कर रहा है, ये समझना है। सो अगर ऐसा होगा तो श्योरिटी वैसा होगा, बट वो नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा अगर वैसा है तो ऐसा होना जरूरी है क्या, तो जरूरी नहीं है ऐसा होगा। क्योंकि पूरे इंटरवल पे जीरो है, तो कोई भी आर्बिट्री इंटरवल लोगे, क्लोज इंटरवल, मान लो इस बीच का x1 कॉमा x2 का इंटरवल ले लो, तो उस पे क्या हो जाएगा f डैश x, fx2 माइनस fx1 अपॉन x2 माइनस x1 इज 0, यहां से आ गया fx1 बड़ा fx2, तो x1 x2 कोई भी दो पॉइंट इंटरवल के लोगे तो वैल्यू फंक्शन की इक्वल ही आएगी। तो इसका प्रूफ आएगा मीन वैल्यू थ्योरम से, मतलब ab का कोई भी सबसेट लो तुम, क्लोज इंटरवल x1 x2, x1 x2 आर्बिट्री पॉइंट है, तो वहां से f डैश x 0 है, तो मीन वैल्यू थ्योरम से आ जाएगा fx1 बराबर fx2 आ जाएगा, तो x1 x2 आर्बिट्री पॉइंट, मतलब किसी भी दो पॉइंट में फंक्शन की वैल्यू इक्वल है, इसका मतलब कांस्टेंट ही होगा। एक और क्वेश्चन लिखो फिर तो आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन ये है कि मान लो ऐसा है, सो लेट f बी डिफाइंड ऑन इंटरवल ए बी सच दैट जो f डैश x है, ठीक है, दिस इज लेस देन कोई पॉइंट m, मान लो दिस इज f डैश x इज, मतलब f डैश इसका बाउंडेड है, डेरिवेटिव बाउंडेड है एक्चुअली, सो डेरिवेटिव बाउंडेड है ना, सो डेरिवेटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इंटरवल ए बी, देन सिंपली इससे ऑप्शन बनाओ, तो यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम में बेस्ड ये सब थ्योरम है, तो यहाँ से आएगा एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन is less than m time x2 minus x1 for all x1 comma x2 belongs to interval a b, ठीक है ना, option b so question देख के तुम्हें डर लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, तुम्हें अगर डेफिनेशन पता है तो अप्लाई कर सकते हो, सिंपली तुम मीन वैल्यू थ्योरम लगा लो तो तुम्हें दिख जाएगा। लगा सकते हो उससे भी आएगा, हाँ लेकिन उतना क्यों करना है,
क्या करेक्ट लग रहा है इसमें? फर्स्ट ऑप्शन है ना। तो ये एक्चुअली जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें तुमने कुछ लोगों ने मैथ बैकग्राउंड से मुझसे पता होगा लिपस्टिक कंडीशन बोलते हैं ना इसको हम। सो जो कॉन्टिन्यूटी से थोड़ी सी हाँ लिपस्टिक कॉन्टिन्यूटी लिपस्टिक कंडीशन ये डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन जो तुम पढ़ोगे एमएससी लेवल पे अभी वहाँ पे यूज होता है। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होते हैं उसके सॉल्यूशन में एग्जिस्टेंस में ही आता है। चलो ये तो ऐसे ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अभी आगे क्या है जैसे इसमें अगर मैं मैक्सिमा मिनिमा की बात करूं तो फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा मतलब क्या है? अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू को डिफाइन करूं मान लो फंक्शन का टाइम भी हो गया है तो मैं थोड़े से कुछ क्वेश्चंस ही लिख देता हूं आज, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा इसको। देखो एक क्वेश्चन लिखो जैसे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं मान लो ये फोर्थ क्वेश्चन है लिमिट चुके हम कर चुके हैं। सो कंसीडर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू तुम्हारे पास है एक्स, ठीक है। अब तुमसे पूछ रहा है देन ऑप्शन ए है लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स अपॉन जी एक्स दिस इज इक्वल टू पहला है डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक। ऑप्शन बी है ट्राई करके देखो तुम लोग, बी ऑप्शन है दिस इज इक्वल टू वन। ऑप्शन सी है एंड ऑप्शन डी है बताओ। मोर देन वन करेक्ट हो सकता है, ये होगा। ओके बाकी लोग तो अभी कुछ लोगों ने आंसर दिया ए सी, ए सी एक का ही है बाकी। सो डज नॉट एग्जिस्ट लिखा है? हाँ डज नॉट एग्जिस्ट लिखा है दोनों में, डज नॉट एग्जिस्ट एसी ऑप्शन में है और बीडी में वन है। ओके ओके चलो एक का ए सी दूसरे का बी डी बाकी लोग कोई नहीं आ रहा है ऐसे कैसे हो सकता है। तो हाँ हाँ आप कैसे भी कर सकते हैं, बस आपको बताना सही आंसर बताना, आप जैसे भी करो क्या दिक्कत है।
मेरा भी नहीं आ रहा है, मेरा तो 2 आ रहा है। चलो सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू, अच्छा अच्छा वैसा है क्या, तो मुझे 2 लिखना चाहिए एक में, तो मैं एक ऑप्शन 2 वाला बना लेता हूँ फिर। टी में 2 होगा, टी में हाफ होगा। अच्छा ऐसा करते हैं, ऐसे होगा। अच्छा चलो डज नॉट एग्जिस्ट हटा के हम यहाँ 2 और यहाँ हाफ कर देते हैं। अब बताइए आप, चलो आप सही बताओ। अच्छा चलो देखो, तो मैं पहले एफ एक्स अपॉन जी एक्स की लिमिट निकालता हूँ, ठीक है। सो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, एक्चुअली ये क्वेश्चन मुझे अब याद आ रहा, मैं एक बार मतलब ऐसे ही जब मैं आज से 4-5 साल पहले जब फिर जी उर्जी का मैं दे रहा था पढ़ाने के लिए, तो वहाँ इंटरव्यू में पूछा गया था मतलब ये क्वेश्चन। और सो यहाँ पे क्या है, जैसे एक्स प्लस साइन एक्स है और अपॉन में एक्स है, तो यहाँ लोग गलती क्या करते हैं कि आपको लगता है ये 0.0 फॉर्म का है और आप लगा देते हैं लॉपिटल रूल, यहाँ हो जाती है गलती, ठीक है। तो यही वहां भी पूछा गया था मुझसे भी, है ना, आप एक्स को 0 रखोगे पहले, लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमें ए लॉपिटल लगाने की जरूरत यहाँ है क्या, जब इसकी लिमिट खुद ही जब एग्जिस्ट कर रही है तो मुझे ए लॉपिटल क्यों लगाना है। जरा देखो ध्यान से, हम ए लॉपिटल कब लगाते हैं, जब हम इजिली उसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, मतलब एफ एक्स अपॉन जी एक्स की लिमिट अगर 0.0 फॉर्म की, इन्फिनिटी इन्फिनिटी फॉर्म की है तब आप लगाते हो, आप जब जानते हो। बट प्रॉब्लम यहाँ ये है कि ऐसा नहीं इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है या 0 वैसा है। आप थोड़ा सिंप्लीफाई करो इसको फर्दर, आप एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स, तो मुझे अब बताओ आप। अच्छा ओके, तो मतलब आप लोग सही बता रहे थे ना, तो ए लॉपिटल लगाएंगे तो क्या आएगा, तो 1 प्लस क्या आएगा यहाँ से, उससे भी आंसर वही आ रहा है क्या, मतलब मैं ट्राई नहीं किया, मैं तो क्वेश्चन लिखा हूँ जस्ट, तो ए लॉपिटल लगाने से भी सेम आ रहा है या अलग आ रहा है। अच्छा तो इसमें आंसर क्या है, मैं आंसर चेक करता हूँ, क्वेश्चन मेरे पास जस्ट है। अच्छा x टेंड्स टू, मैंने 0 लिख दिया है, ओके, बट क्वेश्चन में x टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्चुअली, अच्छा मैंने 0 लिख दिया इसलिए वो गड़बड़ हो रहा है, जो क्वेश्चन एक्चुअल यहाँ बुक में है वो मैंने ध्यान नहीं दिया, वो x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, ठीक है पहले 0 के लिए कर लेते हैं, तो 0 के लिए सिंपली 2 आ गया, ओके है, तो वो क्वेश्चन जो एक्चुअली बुक में है वो इन्फिनिटी वाला है, तो इसको भी कर लेते हैं, इन्फिनिटी वाला भी कर लेंगे, तो ये आप लोग सही बता रहे हैं, ठीक है आप लोग सही सोच रहे थे कि कोई ऑप्शन नहीं, ठीक है पहला ओके है। सिमिलरली अगर आप दूसरा सॉल्व करेंगे तो ये वाला तो आउट हो गया फिर, और बाकी वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन को आप इन्फिनिटी के लिए ट्राई करके देखिए, मतलब ए लॉपिटल से भी आंसर सेम ही आया, बट यहाँ जरूरत नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। सो एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी का क्वेश्चन है ये, उससे भी करके देख लेते हैं क्या आता है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स अपॉन एक्स प्लस साइन एक्स, तो इसमें भी वैसे ही है, तो अभी 0.0 फॉर्म का, या एक्स से डिवाइड कर लो, तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 आ जाएगा, तो ये 1/2 आ गया, ओके ठीक है, तो आप लोगों का ए सी आ गया। इसी क्वेश्चन को लिखिए जब एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी है तब, You write the same question when x tends to infinity is given. अब आप try कीजिए इसी question को। अब मुझे लगता है जो पहले option दिया था वो बनाना पड़ेगा, क्योंकि x tends to infinity के लिए था ये question। चलिए थोड़ा सा इसको correct करते हैं। एक तो x tends to infinity के लिए पहला वाला आ रहा है 1। Okay। यस तो पहला वाला 1। So, मतलब ए बी सी डी, अब जो मैंने लिखा था पहले डज नॉट एग्जिस्ट, अब वो कर देता हूँ, वो इन्फिनिटी के लिए था एक्चुअली ऑप्शन, तो डज नॉट एग्जिस्ट, और यहाँ है डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है इस तरीके से। अब ट्राई कीजिए, हाँ तो आप लोग का ये कहना है बी सही है, ऐसा कहना चाह रहे हो आप, कुछ और लोग डिसाइड कर लो पहले, क्लास में टाइम भी हो गया है, हो गया हाँ। कुछ लोगों का सी और डी आ रहा है, देखो तो
अगर आप सॉल्व करोगे लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, मैं fx अपॉन gx कर रहा हूं, ठीक है, x प्लस sin x अपॉन x, तो यहां x को इंफिनिटी रखोगे तो इंफिनिटी प्लस sin इंफिनिटी तो डिफाइंड ही वो नहीं है ना, फिक्स नहीं है, बाउंडेड क्वांटिटी है, तो इसमें मत लगाओ इल ऑर्बिटल मत लगा। यहां मैं कहना चाह रहा था कि यू डोंट नीड टू अप्लाई इल ऑर्बिटल, x अपॉन x 1 और sin x अपॉन x, अब यहां गलती ये मत करना sin x अपॉन x को 1 कर देना, क्योंकि वो x टेंड्स टू 0 पे होता है, इंफिनिटी है, तो कितना आंसर आ जाएगा 1 प्लस 0, तो 1 आ गया ना, हां सर, ठीक है ना, क्योंकि ये 1 नहीं होगा, ध्यान रखना है sin x अपॉन x 1 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि x टेंड्स टू इंफिनिटी है, तो x को इंफिनिटी रखो, sin तो बाउंडेड है, तो बाउंडेड अपॉन इंफिनिटी 0, तो ये हो गया। और सिमिलरली अगर रेसिप्रोकल कर लोगे तो क्या दिक्कत होगा, तो रेसिप्रोकल अगर कर लोगे लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन x प्लस sin, सिमिलरली x से डिवाइड कर लो, तो x से डिवाइड करोगे तो 1, यहां x अपॉन x 1 sin x अपॉन x कितना हो गया 1, एक मिनट एक मिनट, यहां क्या आएगा sin x अपॉन x आएगा ना, x से डिवाइड करोगे तो sin x अपॉन x की लिमिट कितनी आएगी, 0 हो जाएगी ना ये, ओके, तो फिर भी 1 ही रहेगी, है ना, ओके, तो कहने का मतलब बी और डी आ गए, कोई वेरीफाई कर लो बाकी लोग, तो यहाँ गलती कहाँ होती है, मुझे लगता है यहाँ पे गलती कहाँ होती है इस क्वेश्चन में, कि हम लोग शुरू में क्या करते हैं इन्फिनिटी प्लस साइन बाउंड में करते हैं, इन्फिनिटी प्लस बाउंड इन्फिनिटी होता है, वहाँ गलती हो जाती है, सो यू डोंट नीड टू अप्लाई एल हॉस्पिटल, यहाँ पे डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये बाउंडेड अपॉन इन्फिनिटी जीरो हो जाएगी, तो इंडिटर्मिनेट यहाँ नहीं बन रहा है, एक्चुअली यहाँ इंडिटर्मिनेट फॉर्म थोड़ी बन रहा है साइन एक्स अपॉन एक्स पे, डायरेक्टली लिमिट आ रही है, डायरेक्टली लिमिट आ रही है, ओके ठीक है, सो ये सब कुछ क्वेश्चंस थे, आगे मैं अगले क्लास में क्या करूंगा देखो, तो बस आपसे वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो हमने सजेस्ट किया इसको पहले एक बार कंप्लीट करूँ, तो फिर मैं कराना पड़ेगा मुझे, सो जो फंक्शन कैलकुलस है जैम में उसके लिए ये सब आपको अच्छे से आने चाहिए, ठीक है, ये जो कैलकुलस के लिए ये चैप्टर्स, और यहाँ पे 13 हो गया, क्लास 11th एनसीईआरटी में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव आते हैं, रिवाइज कर लेना जस्ट, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियलिटी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इंटीग्रल्स एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, ये कैलकुलस का बेस हुआ क्लास 12th में जो था, उसके आगे हमें यहाँ पढ़ना है वो भी है और थोड़ा आगे भी है, बाकी ये सब प्रोबेबिलिटी के हेल्प करेगा, जो चैप्टर 13 क्लास 12th एनसीईआरटी में प्रोबेबिलिटी है, क्लास 11th एनसीईआरटी में 16 चैप्टर प्रोबेबिलिटी है, बाइनोमियल थ्योरम परमुटेशन कॉम्बिनेशन सेट्स, बस इसको एक बार रिवाइज कर लो, तो ये बेसिक्स तुम्हारा मतलब ठीक हो जाएगा, कोई डाउट मतलब आगे समझने में दिक्कत नहीं होगी, बेसिक चीज़ें तो एक बार रिवाइज करना, और जो डाउट्स हो पूछो आप, लेकिन ऑनेस्टली खुद से एक बार कंप्लीट कर लो, क्यों कभी छोड़ोगे ना, ये चलो ठीक है, फिर आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में क्या करूंगा, नेक्स्ट क्लास में मैथमेटिक्स पोर्शन की क्लास कब है, अब कल तो स्टैट्स की क्लास है, तो पहले ये करना इसमें डाउट तो पूछना, लिमिट्स हो गया, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियलिटी डिस्कस कर रहे थे हम लोग, हमने स्टेटमेंट देखा है रोल्स थ्योरम का, लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का, हमने वो भी देखा है कॉची मीन वैल्यू थ्योरम या जनरल मीन वैल्यू थ्योरम, आगे आएगा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ये देखते हैं, लेविनिज रूल देखना है, फिर टेलर्स थ्योरम, लाग्रांज एंड कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर्स, टेलर्स मैकलॉरिन सीरीज ठीक है, इंडिटरमिनेट फॉर्म्स, एल ऑर्बिटल रूल ये तो कर ही सकते हो तुम लोग, किया भी हमने, मैक्सिमम मिनिमम ऑफ तो ये पहले कर लेंगे, मैक्सिमम मिनिमम ऑफ फंक्शन ऑफ वन रियल वेरिएबल क्रिटिकल पॉइंट आज डिस्कस कर रहे थे, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा, ये क्लास 12th में भी है हालांकि ये टॉपिक, तो ये डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, चलो ठीक है, चलो कल मिलते हैं 9 से 11 फिर से, हाँ बोलो बोलो तो वो असाइनमेंट प्रीवियस ईयर में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, असाइनमेंट्स करो, लैपटॉप नहीं है ये प्रॉब्लम होता है, ये फोन में ढूंढना ऐसे करके बहुत प्रॉब्लम, देखो जो असाइनमेंट्स है मेरे वो क्या है, जो प्रसन्ना साहू वाली बुक्स हैं वो मैंने बहुत सारे कुछ बाहर के भी हैं, कुछ उसमें वो भी होंगे जो उसके एक साइज ही है, एक्चुअली प्रसन्ना साहू बुक एक साइज कर दो पहले, तुम चाहो तो वीके रवेदी वाली बुक एक साइज कर सकते हो, ये है गुप्ता कपूर वाले एग्जाम्पल एक साइज कर सकते हो, इससे क्या तुम्हारा टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, फिर पीवाई क्यू करोगे खुद से सॉल्व होगा, स्टार्टिंग में पीवाई क्यू पर ही चले जाओगे तो हो सकता है डिफिकल्टी हो, क्योंकि पीवाई क्यू का एक लेवल है, और बुक्स में क्या है बेसिक से स्टार्ट करके ऊपर तक जाता है वो, तो बुक में क्या अगर तुम बुक के एग्जाम्पल एक साइज अगर ट्राई कर लेते हो, तुमने बेसिक्स लेकर एडवांस तक के प्रॉब्लम देख ली है, अब पीवाई क्यू करो ज्यादा समझ आएगा, तो साथ में एक बुक जरूर रेफर करो, चाहे गुप्ता कपूर वाली बुक हो या प्रसन्ना साहू वाली बुक हो या रवायत की बुक हो, बुक्स में एक एक लाइन पढ़ो, ठीक है ना, हां सर बुक को कुछ दिनों के बाद मैं ले रहा हूं, तो पहले सर वो असाइनमेंट वाला पहले ट्राई करो, हां
वही असाइनमेंट जो बुक का ही है, कुछ मैंने अलग से फ्रेम नहीं किया क्वेश्चंस, बुक के ही क्वेश्चंस हैं एक्चुअली। ठीक है गूगल सर्च करोगे तो कैसेला बर्गर का पीडीएफ अवेलेबल है, उसका सॉल्यूशन भी अवेलेबल है गूगल पे, गूगल पे सर्च करना सॉल्यूशन मिल जाएगा, उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। उसके पीछे देखो जो कैसेला बर्गर बुक की जो एक साइजेस है, एक एक साइज में 60-70 क्वेश्चन है, ये दिक्कत है। रिवायती में क्या 10-15 क्वेश्चन एक साइज में, फिर साहू में क्या 10-15 क्वेश्चन एक एक साइज में, कैसेला बर्गर में क्या 50-60 एक एक साइज में क्वेश्चन है, उसके सॉल्यूशन भी अवेलेबल है हालांकि। तो यू कैन चेक, तो रिवायती का सॉल्यूशन मैनुअल नहीं है, कैसेला बर्गर का सॉल्यूशन मैनुअल अवेलेबल है। और प्रसन्ना साहब वाली बुक बहुत इजी है, तो तुम खुद ही कर लोगे एक साइज उसका सारे, क्योंकि एग्जांपल जैसा है वैसे एक साइज बना रखा है प्रसन्ना साहब वाली, तो उसके बहुत इजी एक साइज है हालांकि प्रसन्ना साहब। बट एक बार करो सर जरूर सॉल्व ये। जी हाँ नेक्स्ट क्लास है, मैक्सिमम मिनिमा डिस्कस करेंगे। जी जी, तो नेक्स्ट क्लास है मैक्सिमम मिनिमा ही करेंगे, अभी बाकी है। ये मैक्सिमा मिनिमा फंक्शन ऑफ वन रियल वेरिएबल, उसका क्रिटिकल पॉइंट, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है चलो ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट।